जी वे, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग मार्किंग टूल पढ़ रहे थे और मार्किंग टूल में कम्बिनेशन सेट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पंच तथा हैमर। सबसे पहले इसमें पंच के बारे में पढ़ेंगे। पंच क्या होता है, पंच का अलग अलग प्रकार हम लोग देखेंगे और इसका यूज क्या होता है, इन सारे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। और पंच से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, उसको भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट हैमर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पंच के बारे में। अगर पंच के लिए बात करें तो यहाँ पर ये फिगर में ये पंच दिख रहा है। जनरली पंच एक प्रकार का ये मार्किंग टूल ही है जिसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो मार्किंग की गई रेखाओं को परमानेंट करने के लिए, पक्का करने के लिए। नहीं तो अलग अलग जॉब में अलग अलग केंद्र पर हम लोगों को ड्रिलिंग करना होता है, होल करना होता है, तो वहाँ पर सेंटर मार्किंग के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अलग अलग टाइप्स के पंच हैं, सारे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन में पंच के मटेरियल में अगर बात करेंगे तो पंच हाई कार्बन स्टील नहीं तो टूल स्टील का बना होता है। और यहाँ पर पंच के अगर पार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये आगे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं पॉइंट, पॉइंट बोला जाता है। इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बॉडी बोला जाता है। और ये वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं हेड। ठीक, यहाँ पर भी फिगर में देख सकते हैं पंच का ये जो है आगे वाला भाग, ये पॉइंट होता है, ये बॉडी होता है और ये क्या है, हेड है। ठीक, जनरली पंच के ये बॉडी का जो शेप होता है गोलाकार नहीं तो अष्टभुजाकार, इस तरह से ऑक्टागन शेप में होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है क्वेश्चन एग्जाम में कि पंच का बॉडी किस तरह का होता है, यानी पंच के बॉडी का शेप कैसा होता है। तो ज़्यादातर ऑप्शन में आता है ऑक्टागोनल, अष्टभुजाकार। ठीक, अष्टभुजाकार तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कुछ और चीज़ समझते हैं यहाँ पर। अगर ये गोलाकार पंच है तो गोलाकार पंच के ये बॉडी वाला जो भाग होता है ये नर्लिंग किया होता है, नर्ल्ड किया होता है। और नर्लिंग क्या होता है, तो नर्लिंग जनरली हम लोग ग्रिपिंग पर्पस के लिए बनाते हैं और इसमें नर्लिंग पैटर्न में अलग अलग होता है। जैसे इस पर क्या होता है, इस तरह से डायमंड नर्लिंग होता है, तो जब पकड़ते हैं हम लोग तो ग्रिपिंग क्या होती है, अच्छी होती है। इसके लिए हम लोग पहले भी समझ चुके हैं, यहाँ पर जब ये ऑक्टागोनल अष्टभुजाकार बॉडी वाला पंच होता है तो उसके बॉडी को नर्ल नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये खुद ऑक्टागोनल है, अष्टभुजाकार है, तो ये स्टेप में होता है ना। तो आसानी से पकड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हैमर को ऊपर से हेड पर चोट लगा करके और पंचिंग कर सकते हैं। ठीक, अभी एक एक चीज समझते हैं। यहाँ पर पार्ट्स में देखेंगे तो कौन कौन सा हेड है, बॉडी है और क्या है, पॉइंट है। यहाँ पर ये पॉइंट वाला जो भाग होता है जनरली मटेरियल में हाई कार्बन स्टील नहीं तो टूल स्टील का होता है। और ये पॉइंट वाला भाग क्या होता है, हार्ड एंड टेम्पर होता है। हार्ड एंड टेम्पर, हार्ड एंड टेम्पर का पर्पस क्या होता है, तो हार्डनिंग एवं टेम्परिंग का पर्पस यही होता है कि जब इस पंच के द्वारा हम लोग जॉब पर पंचिंग करें तो इसका जो पॉइंट है वो टूटे ना, नहीं तो जॉब के ऊपर आसानी से क्या करें, निशान छोड़ दे। इसके लिए इसके पॉइंट को क्या करके रखते हैं, हार्ड एवं टेम्पर। हार्ड एवं टेम्पर भी हम लोग अच्छे तरीके से समझें तो हर एक कटिंग टूल या मार्किंग टूल है उसके पॉइंट को हार्ड एवं टेम्पर्ड करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, ताकि काम करते समय उसके पॉइंट टूटे ना। अगर कटिंग टूल है तो उसके पॉइंट भी टूटे ना, फाइल है तो उसके कटिंग एज यानी दांते घिसे ना, इन सारे कामों के लिए क्या होता है, ये हार्ड एवं टेम्पर्ड किया होता है इसके पॉइंट को। ठीक, इसके बाद इसके पंच के जितने भी पंच है यूज के आधार पर हम लोग अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक जो पंच है अगर मेन इनका यूज बताएं तो इस जॉब के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ जॉब में इस तरह से ये जॉब है, जब हम लोग वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं तो हम लोगों को ड्राइंग मिलता है, उसी ड्राइंग के अनुसार हम लोगों को जॉब को बनाना होता है। तो उसके लिए हम लोग रॉ मटेरियल लेकर के फिर थोड़ी सी सतह को फिनिशिंग करके, अलग अलग मार्किंग मेथड भी पढ़े थे हम लोग, उसके अनुसार फिनिशिंग करके और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, मार्किंग मीडिया ऊपर सतह पर लगा करके और उसके बाद क्या किया जाता है, जॉब के अनुसार इस तरह से ड्राइंग के अनुसार क्या कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं।
मार्किंग करने के लिए और इन लाइनों को खींचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, ठीक। लेकिन इन लाइनों को खींचने से काम नहीं हो पाता है। लाइन खींचने के बाद अगर हम लोग इसको बेंच वाइस में पकड़ करके कटिंग करना चालू करेंगे तो वहाँ पर जितने भी ये मार्किंग की लाइनें हैं ये मिट सकती हैं। तो मिट जाएंगी तो फिर क्या, गाइडलाइन हमारा दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि जॉब को कहाँ से काट करके निकालना है, कितना धातु वाला पार्ट रखना है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पंच की सहायता से, जैसे ये जॉब है तो ये जॉब का ये बाहर बाहर वाला सतह है, आउटलाइन बोल सकते हैं इसको, इस बाहरी बाहरी सतह को हम लोग पास पास में नज़दीक नज़दीक में पंच के द्वारा, ये पंच को इस तरह से रख करके और हैमर की चोट लगा लगा करके धीरे धीरे और क्या कर देते हैं, इस लाइन को परमानेंट कर देते हैं, अस्थाई कर देते हैं। अस्थाई करने के बाद और ये जो बाहरी लाइन का हम लोग पंचिंग करते हैं, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। इस जॉब में सारा चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, ठीक। डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, अगर सेंटर लगाना होता है, जैसे यहाँ पर ये जॉब में ये सेंटर है, यहाँ पर हम लोगों को ड्रिल करना है, होल करना है ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, तो इस सेंटर को लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर आएंगे तो ये कॉर्नर पर इस तरह से रेडियस है और इसका रेडियस का सेंटर ये है, तो डिवाइडर के पॉइंट को यहाँ पर एडजस्ट करके और डिवाइडर के पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए, इसके पॉइंट को बिठाने के लिए जो पंच का निशान लगाया जाता है उस पंच का नाम होता है प्रिक पंच। आगे सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो ये रेडियस की भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जॉब में जो फीचर होते हैं, यानी अलग अलग जॉब में जो विशेषताएँ होती है जॉब प्लान के अनुसार या ड्राॅइंग के अनुसार, उसके अनुसार इनको क्या कर दिया जाता है, इस तरह से पंचिंग कर लिया जाता है। सारा सेंटर हो या आउटलाइन हो, सबको क्या कर लेते हैं, पंचिंग कर लेते हैं। पंचिंग करने के बाद जब हम लोग कटिंग स्टार्ट करते हैं तो ये जो आउटलाइन है अब इसके मिटने का चांस नहीं होता है, क्योंकि जॉब के सतह के ऊपर क्या हो जाता है, परमानेंट निशान आ जाता है। तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है हम लोगों को। तो अभी इससे संबंधित एक एक पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट, मार्किंग की हुई जॉब की मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए, परमानेंट करने के लिए या सेंटर लगाने के लिए, जब ड्रिलिंग करते हैं तो उसका सेंटर लगाने के लिए इस तरह से प्रयोग करते हैं, ठीक। फर्स्ट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मटेरियल के बारे में बताएंगे, या हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं और इनके पॉइंट क्या होते हैं, हार्ड एवं टेम्पर्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी बॉडी अष्टभुजाकार अथवा गोलाकार बनाकर नर्ल्ड की होती है। अष्टभुजाकार होगा तो इस पर नर्लिंग नहीं होता है, खुद स्टेप में बना होता है इस तरह से, और गोलाकार होता है तो इस तरह से क्या होता है, नर्लिंग किया होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच की बॉडी की शेप कैसी होती है, अष्टभुजाकार, ठीक है। तो सबसे, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए गोलाकार और अष्टभुजाकार, तो सबसे बेस्ट कौन होगा, ये अष्टभुजाकार। यहाँ पर फिर ग्रिपिंग के अनुसार हम लोग टिक आउट करेंगे, ऐसा बने होने के कारण ग्रिपिंग क्या होगा, अच्छा मिलता है, तो इसलिए हम लोग अष्टभुजाकार करेंगे, ठीक। इस तरह से एक एक पॉइंट को, ये सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, पंच के प्रकार अलग अलग, यूज के अनुसार पंच अलग अलग प्रकार के होते हैं, किस तरह से एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। जैसे सबसे पहला है सेंटर पंच, इसके बाद डॉट पंच, फिर प्रिक पंच, उसके बाद ऑटोमेटिक सेंटर पंच, इसके बाद सॉलिड पंच, ठोस पंच जिसको बोल सकते हैं, फिर खोखला पंच है, इसके बाद पिन पंच, और फिर घंटीनुमा पंच जिसको बेल पंच बोला जाता है। ये इतने प्रकार हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इन सारे पंच के टाइप से जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, साथ में सबको डील करते चलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, पहला पंच है सेंटर पंच। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इसको समझने के लिए यहाँ पर ये सारे फिगर हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे सेंटर पंच के लिए बात करेंगे तो ये सेंटर पंच है मेन, इसका जो ये पॉइंट का कोण होता है, ये जो पॉइंट वाला भाग है इसका जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है।
इस कोण को हम लोग इधर से भी बता सकते हैं, ये वाला एंगल 90 डिग्री, नहीं तो यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से ये वाली लाइन और ये लाइन ड्रॉ करके ऐसा एंगल बता सकते हैं ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो ये आगे वाली, ये जो पंच है इसके आगे का ये भाग क्या होती है, टेपर में बना होता है, तिरछा बना होता है, और आगे क्या फिर होता है, लास्ट में पॉइंट होता है और उसका एंगल निर्धारित होता है। इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये सेंटर पंच है और ये डॉट पंच है। थोड़ा सा ये कंपेरिजन के लिए हम लोग इस फिगर को रखे हैं यहाँ पे। जनरली यहाँ पे इस पंच को देखेंगे तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री, यानी ये थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है, पर्पस बताते हैं। इसके बाद इस डॉट पंच को देखेंगे, ये डॉट पंच है, आगे पढ़ेंगे इसके लिए, तो डॉट पंच का एंगल जो होता है ये 60 डिग्री होता है। तो पॉइंट क्या होता है, ये सेंटर पंच से थोड़ा सा कम होता है, कम चौड़ा होता है, यानी पतला होता है। तो अलग अलग पर्पस है यानी इनका। ठीक, जनरली ये 90 डिग्री एंगल होने की वजह से ये सेंटर पंच का प्रयोग हम लोग जॉब के ऊपर ड्रिल सेंटर की मार्किंग करने के लिए, जैसे यहाँ पर ये जॉब है, ये रेखाएं खींची गई है इसमें और ये दूसरी रेखा, इस सेंटर को हम लोगों को मार्किंग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पंच को, ये सेंटर पंच का उपयोग करके और इस तरह से रख करके और हैमर के द्वारा चोट लगा करके क्या करते हैं, गहरी मार्किंग करते हैं। इस कंडीशन में जैसे जॉब का यहाँ पर सेंटर है, तो यहाँ पर ड्रिल होल का सेंटर है, तो यहाँ पर हैमर की चोट लगा करके कर सकते हैं, पंचिंग कर सकते हैं। ये क्यों करते हैं, तो जनरली जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो जॉब के सेंटर को सेंटर पंच से पंच कर दिया जाता है, थोड़ा सा वहाँ पर पंच करने पर क्या हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, जिसके कारण ये जो ड्रिल है, इस फिगर में हम लोग समझ सकते हैं ये ड्रिल है, हम लोग ड्रिलिंग करना चाहते हैं, तो ड्रिल का पॉइंट क्या होता है, इस तरह से आगे से कोनिकल होता है, शंकु के आकार का होता है, तो ये पॉइंट थोड़ा गड्ढा होने की वजह से यहाँ पर ड्रिल आ करके क्या होता है, अच्छे से बैठ जाता है, और फिर आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग सेंटर में ड्रिलिंग कर सकते हैं। अगर इस तरह से, अगर ड्रिल के हम लोग पंच, सॉरी ये यहाँ पे सेंटर पंच का अगर हम लोग मार्किंग नहीं किए हैं, तो इस फिगर में देख सकते हैं पंचिंग नहीं होने की वजह से ये ड्रिल क्या हो रहा है, स्लिप करके आ रहा है, तो इस तरह से स्लिप कर सकता है ड्रिल अपने सेंटर से। एक्चुअली में अगर मान लीजिए ये जॉब है और ये ड्रिल का सेंटर, यहाँ पर हम लोगों को होल करना है और यहाँ पर सेंटर की मार्किंग किए हैं हम लोग, जब ड्रिल पॉइंट को यहाँ पर रख करके और स्पिंडल को ऑन करते हैं, यानी ड्रिल को घुमाते हैं, तो सेंटर नहीं मार्किंग होने की वजह से ये ड्रिल इधर उधर घूमने लगता है, इसको सेंटर मिल ही नहीं पाता है। इसी को बोला जाता है ड्रिल के पॉइंट को प्ले करना, प्ले मतलब खेलना, इधर उधर क्या कर रहा है, खेल रहा है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग पॉइंट नहीं लगाएंगे सेंटर पंच से, तो इसी तरह से दुर्घटना होगा हम लोगों के साथ, नहीं तो एक्चुअल सेंटर में जॉब जहाँ पर होल करना चाहते हैं वहाँ पर होल नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लोग सेंटर पंच से इसको थोड़ा सा गहरा कर लेते हैं। ये 90 डिग्री होता है, इसलिए थोड़ा सा चौड़ा यहाँ पर ग्रूव बनता है, यानी चौड़ा निशान छोड़ता है ये पंच, और वहीं पर ड्रिल के पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बिठा करके ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये काम होता है इसका। ठीक, फिगर से हम लोग एक एक चीज को समझ चुके हैं। इसके बाद अब एक एक पॉइंट को इसमें नोट डाउन करते हैं। जैसे सबसे पहले पंच के बारे में बताएंगे, तो इसका डायमीटर 4 mm से 12 mm तक होता है और लगभग 125 mm क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अगर इसके डायमीटर के बारे में बताएं, व्यास ये कितना होता है, 4 mm से 12 mm। ठीक, आगे हम लोग साइज के बारे में बात करेंगे कि पंच का साइज इसके व्यास और इसकी लंबाई से लिया जाता है। लंबाई के आधार पर बताएंगे अगर, तो ये 125 mm है, इसके अलावा और भी है, जैसे 4 इंच बोलेंगे तो mm में कितना हो जाएगा, ये 100 mm, 100 mm का भी छोटा पंच हम लोग वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये 125 mm के कितना हो जाएगा, ये 5 इंच हो जाएगा, 5 इंच का मतलब क्या है, 125 mm। इसी तरह से 6 इंच के लिए बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 mm। इसी तरह से 8 इंच के लिए बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 mm। तो इस तरह से मैक्सिमम 200 mm लंबाई तक के पंच हम लोग वर्कशॉप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इससे बड़ा नहीं रखते हैं, नहीं तो फिर पकड़ करके पंचिंग करने में क्या होती है, परेशानी होती है। और सबसे ज़्यादा 4 से 6 इंच वाले पंच प्रयोग किए जाते हैं वर्कशॉप में। ठीक, तो इस तरह से चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें इनके आगे का कुछ भाग क्या होता है, ये वाला भाग ये टेपर होता है और ये पॉइंट का कोण कितना होता है 90 डिग्री, इसको याद रखना। ये डाटा इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए पूछा जाता है। सेंटर पंच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है इसके बीच का भाग, यानी बॉडी जो होती है बीच के भाग को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ये क्या होती है, नर्लिंग की होती है ग्रिपिंग के लिए। इसके बाद इसका प्रयोग ड्रिल का सेंटर लगाने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना है। इस तरह से हम लोगों को जॉब पर सेंटर की मार्किंग करनी होती है तो सेंटर का निशान लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम दो पॉइंट ध्यान रखना है, एंगल और इसका यूज, सेंटर ड्रिल के सेंटर को लगाने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या फर्क पड़ता है, 100 वाट, ठीक है, तो नहीं ध्यान देंगे तो एग्जाम में झंड बन जाएंगे, ठीक। तो इसी तरह से कुछ लोग ऐसा एग्जाम में टेस्ट में देखा भी होगा, ठीक है, होता है ऐसा। तो जो चीज़ है ये सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी तरह से करते चलना है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट है डॉट पंच, दूसरा पंच है डॉट पंच। अभी इसके लिए समझते हैं, यहाँ पर ये फिगर है डॉट पंच का, उसी तरह से इसका भी ये बॉडी हेड और ये फिर क्या होता है पॉइंट होता है, और ये पॉइंट का कोण जो होता है इसका कितना होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है। ये एंगल याद रखना है, ठीक। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है हर एक पंच में, यूज ध्यान कर रखना है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली ये डॉट पंच का प्रयोग हम लोग, मान लीजिए इस तरह से ये जॉब है, जॉब का ये आउटलाइन है, ये बाहर बाहर वाला जो ये लाइन है आउटलाइन, इसको हम लोग परमानेंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं साक्ष्य चिन्ह, यानी परमानेंट करने के लिए, नहीं तो विटनेस मार्क इंग्लिश में बोल सकते हैं, यानी मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए, आउटलाइन को पक्का करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, जिसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ठीक। यहाँ पर अगर ये सेंटर लगाना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका प्रयोग परमानेंट लाइनों को पक्का करने के लिए, नहीं तो विटनेस मार्क इंग्लिश में बोल सकते हैं, विटनेस मार्क साक्ष्य चिन्ह लगाने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर भी इस जॉब में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक्चुअल जॉब है, इस तरह से हम लोग मार्किंग कर लिए, एल शेप में हम लोगों को जॉब चाहिए, ये एल शेप का ये मार्किंग कर लिया गया है जॉब के ऊपर। अब ये लाइन मार्किंग से काम नहीं चलेगा, लाइन मार्किंग करने की वजह से हम लोग जब इसको कटिंग करेंगे तो ये मिट सकता है, तो इसलिए क्या करते हैं, अब पंच का निशान लगा देते हैं। इस तरह से नज़दीक नज़दीक मार्किंग की लाइनों को क्या कर देते हैं, निशान लगा करके और पक्का कर देते हैं। तो इस तरह के आउटलाइन को पक्का करने के लिए, मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए, नहीं तो विटनेस मार्क साक्ष्य चिन्ह, साक्ष्य मतलब यही साक्षी बन रहा है कि यहीं से धातु को क्या करना है, रखना है, इधर वाले धातु को रखना है और इधर वाला क्या है, काटना है, ठीक। तो इस तरह से ये कटिंग करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा, फिर फाइलिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा जॉब बना सकते हैं। तो एक एक पॉइंट इसके लिए भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, यह भी सेंटर पंच की तरह होता है लेकिन पॉइंट का कोण कितना होता है 60 डिग्री, यह एंगल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रयोग, स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइनों को पक्का करने के लिए, परमानेंट करने के लिए, या साक्ष्य चिन्ह लगाने के लिए, फॉर विटनेस मार्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विटनेस मार्क साक्ष्य चिन्ह, ठीक। तो ये चीज ज़्यादातर ऑप्शन में पूछा जाता है दे करके कि डॉट पंच का प्रयोग किसके लिए, तो साक्ष्य चिन्ह लगाने के लिए करते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिक पंच, अब तीसरा पंच है प्रिक पंच। अब इसके लिए एक एक करके समझते हैं चीजों को। अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये फिगर में ये प्रिक पंच है, इसका पॉइंट कोण 30 डिग्री होता है। जनरली डॉट पंच के कैटेगरी में दो एंगल होते हैं, एक पंच का एंगल होता है 60 डिग्री, जिसको डॉट पंच बोला जाता है, और ये दूसरा पंच है जिसका एंगल, डॉट पंच का ही कैटेगरी है, जिसका एंगल 30 डिग्री होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिक पंच बोलते हैं। लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है, ठीक। जनरली डॉट पंच जो था उसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं,
तो मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए या विटनेस मार्क को लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है इनके यूज के लिए, हम लोग समझते हैं जब हम लोगों को वर्कशॉप में सॉफ्ट मेटल के ऊपर जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, टिन प्लेट यानी शीट मेटल ऑपरेशन में जहाँ पर पतली पतली चादरें यूज की जाती हैं, वहाँ पर फाइन मार्किंग के लिए, महीन मार्किंग और डीप मार्किंग के लिए, गहराई तक मार्किंग के लिए हम लोग प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब गहराई तक कैसे हम लोग समझ सकते हैं, जनरली ये इस फिगर में ये कॉपर का ये सीट है, इस पर हम लोगों को जॉब प्लान के अनुसार या ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करके जॉब के ऊपर और कटिंग करना होता है, तो वहाँ पर ये प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है। ये प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री होने की वजह से इसका पॉइंट क्या होता है, नुकीला होता है। नुकीला होने की वजह से इसमें ये क्या होता है, गहराई तक मार्किंग करता है। तो महीन और गहराई तक मार्किंग करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, प्रिक पंच। और इसके लिए ध्यान रखना है सॉफ्ट मेटल है, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, टिन प्लेट या शीट मेटल ऑपरेशन में बोल सकते हैं। शीट मेटल ऑपरेशन का मतलब क्या है, तो शीट मेटल ऑपरेशन में हम लोग पतली पतली चादरें अलग अलग धातुओं की होती हैं, उन्हीं को हम लोग कटिंग करके और अलग अलग शेप में मोड़ करके अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, जॉब बनाते हैं। तो वहाँ पर जॉब के ऊपर लाइनों को मार्किंग करके और पंचिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रिक पंच का। इसके अलावा इस प्रिक पंच का प्रयोग डिवाइडर जो होता है, डिवाइडर के द्वारा हम लोग जब इस तरह से आर्क ड्रॉ करते हैं या इस तरह से चाप ड्रॉ करते हैं या इस तरह से किसी डायमीटर का ब्रीथ हम लोगों को ड्रॉ करना होता है, खींचना होता है, तो इस डिवाइडर के पॉइंट को बिठाने के लिए ऐसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पर ये सेंटर है ब्रीथ का और यहाँ से हम लोगों को 20 mm डायमीटर का एक सर्कल बनाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डिवाइडर के पॉइंट को बिना इस पंच के निशान लगाए यहाँ पे डिवाइडर के पॉइंट को रखेंगे तो ये क्या करेगा, स्लिप करेगा यहाँ। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइडर का पॉइंट पतला नुकीला होता है, इसलिए ये प्रिक पंच जिसका एंगल 30 डिग्री होता है, इसका भी पॉइंट क्या होता है, नुकीला होता है। इससे हम लोग क्या कर देते हैं, सेंटर में पंचिंग कर देते हैं और पंचिंग करने के बाद डिवाइडर को इस तरह से रख करके सर्किल या आर्क को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से सारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट यह है कि डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए कौन सा पंच प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा पंच है, प्रिक पंच शीट मेटल ऑपरेशन में, यानी जहाँ पर पतली चादरें होती हैं सॉफ्ट धातुओं की, सॉफ्ट मुलायम धातुओं की, वहाँ पर कौन सा पंच मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्रिक पंच। ठीक, डॉट पंच जनरली हम लोग माइल्ड स्टील का जो मोटी प्लेट होती है उसके ऊपर मार्किंग करने के लिए, साक्ष्य चिन्ह लगाने के लिए, नहीं तो लाइनों को पक्का करने के लिए प्रयोग करते हैं। जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन तो इनमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोगों को इसी तरह से समझते चलना है। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट इसके लिए यही है कि इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यह पंच फाइन मार्किंग, महीन मार्किंग के लिए बहुत पतला पॉइंट छोड़ता है ये पंच, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, फाइन मार्किंग। और पतला होता है लेकिन क्या होता है, डीप होता है, प्रयोग किया जाता है तथा नरम धातुओं पर मार्किंग के लिए अधिक उपयोगी है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, पीतल इत्यादि। ठीक, इसके बाद शीट मेटल में भी या शीट मेटल वर्क के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। शीट मेटल वर्क में जो प्लेटें होती, सॉरी, शीट मेटल वर्क में जो शीट प्रयोग करते हैं वो सॉफ्ट मेटल की होती है, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल नहीं तो टिन की प्लेट होती है, तो उन पर मार्किंग करने के लिए इस प्रिक पंच का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को पोजीशन करने के लिए भी होता है। इस तरह से डिवाइडर के पॉइंट को क्या करने के लिए, पोजीशन करने के लिए करते हैं। एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है ऑटोमेटिक सेंटर पंच। नेक्स्ट जो पंच है, चौथा पंच, ऑटोमेटिक सेंटर पंच। अभी इसके लिए देखते हैं यहाँ पर, ये ऑटोमेटिक सेंटर पंच है, अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये इसके द्वारा मार्किंग करने के लिए, निशान लगाने के लिए हम लोगों को अलग से हैमर की चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक ये होता है। कैसे होता है इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं मैकेनिज्म। जनरली यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे तो ये एक स्प्रिंग है, ये एक इम्पैक्ट हैमर होता है, ये इम्पैक्ट हैमर है
जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, झटका लगा सकते हैं। यहाँ पर ये एक शाफ्ट है, इसको इम्पैक्ट शाफ्ट बोलते हैं, यानी इसके द्वारा दिया गया झटका इस पर पड़ता है। उसके बाद ये हाई कार्बन स्टील का ये पंच का पॉइंट है, पंच का पॉइंट है, ठीक। और ये जो इम्पैक्ट शाफ्ट है ये इस पर आकर के धक्का देता है, जिसके कारण हम लोग जॉब के ऊपर स्पीकर में समझ सकते हैं सेंटर मार्किंग के लिए, ऑटोमेटिक सेंटर पंच है तो सेंटर मार्किंग के लिए इस तरह से रख करके, और इसको जब हम लोग ऐसे दबाते हैं तो ये स्प्रिंग अंदर से इनर्जी रिलीज करके और इस पर क्या करता है, ये जो इम्पैक्ट शाफ्ट है, ये जो हैमर है इम्पैक्ट शाफ्ट पर आ करके इम्पैक्ट शाफ्ट इसके पॉइंट पर के पर दबाव दे करके और फिर क्या करता है, इस तरह से जॉब के ऊपर निशान छोड़ता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से सेंटर का निशान हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है फिगर में, ठीक। तो यहाँ पर अगर अलग अलग पार्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे, ये पंच का आगे वाला भाग है, ये इम्पैक्ट शाफ्ट जो झटका देने वाला शाफ्ट है वो है, और ये इम्पैक्ट हैमर है जो जिसके द्वारा शुरुआती लोड अप्लाई किया जाता है इस शाफ्ट पर। इसके बाद ये पीछे क्या है, स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं, कैप बोला जाता है, कैप। और ये पूरा असेंबली इस तरह से होता है, ठीक। जनरली हम लोग इस तरह से रख करके ऐसे पकड़ करके दबाते हैं ना, तो ये स्प्रिंग क्या होता है, रिलीज होता है, और लोड आ करके इस पर क्या होता है, अप्लाई होता है, जिसके कारण हम लोग सतह के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। और जनरली इसका प्रयोग, ये सेंटर पंच है तो किसके लिए प्रयोग करेंगे, तो ड्रिल के केंद्र बिंदु का निशान लगाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, सेंटर मार्किंग के लिए। इसका जो ये पॉइंट होता है इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट को हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। इसका जो पॉइंट होता है एक 60 डिग्री यानी डॉट पंच के कैटेगरी में, और दूसरा 90 डिग्री में भी मिलता है, ठीक। तो अलग अलग पॉइंट को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अभी एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि सेंटर पंच का कोण कितना होता है, और वहाँ पर इसरो में पूछा गया क्वेश्चन था, ये ऑप्शन में दिया गया था 120 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री से 60 डिग्री, इसके बाद फिर 90 डिग्री से 120 डिग्री, और उसके बाद फिर था, सॉरी ये 90 नहीं, ये 80 ले लीजिए यहाँ से, और फिर था 60 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक। तो अभी यहाँ पर हम लोग किस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, तो समझिए यहाँ पर ये अलग अलग रेंज में दिया गया है। जनरली सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री अकेले देखें तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, गलत क्वेश्चन है, छोड़ करके निकल जाएंगे, नहीं छोड़ करके निकलेंगे। कभी कभी इस तरह से सोचने वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री एक ऑप्शन में है, इसको हम लोग इजिली कर सकते हैं टिक आउट। क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेंटर पंच है, इसका एंगल कितना होता है, सॉरी इसका पॉइंट जो होता है, एक 60 डिग्री वाला भी होता है और एक क्या होता है, 90 डिग्री वाला भी होता है। तो हम लोग आसानी से क्या करते हैं, इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं और ये आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो कुछ लोग क्या करेगा, क्वेश्चन गलत है छोड़ कर निकल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो नंबर कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें भी एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, और पहला पॉइंट है, इसका प्रयोग करते समय हेड पर हथौड़े की चोट नहीं लगानी पड़ती। इसके बाद इसमें एक स्प्रिंग और स्टील का एक ब्लॉक इस प्रकार सेट होता है, जब हम पंच को दबाते हैं तो ये बिना हथौड़े के क्या कर देता है, मार्किंग कर देता है। और इसके पीछे में ये जो कैप होती है, किसी किसी ये ऑटोमेटिक सेंटर पंच में इसको इस तरह से हम लोग घुमा करके चोट को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके पॉइंट 60 डिग्री और 90 डिग्री में मिलते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पंच हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट है पांचवा, सॉलिड पंच, जिसको ठोस पंच बोला जाता है। अगर इसके लिए बात करेंगे तो ये फिगर में ये सॉलिड पंच है, ये ठोस पंच इस तरह से इसके आगे वाला भाग टेपर बना दिया जाता है। जनरली इसका प्रयोग हम लोग सॉफ्ट धातु में, मुलायम धातुओं में होल करने के लिए करते हैं। जनरली इसके द्वारा हम लोग होल करने के लिए क्या करते हैं, जिस सीट में होल करना है उसके ऊपर से रख करके और हैमर का चोट लगा करके क्या करते हैं, होल कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब इसके द्वारा होल करते हैं हम लोग, तो नीचे में हम लोगों को कुछ खोखला चीज़ रख लेना चाहिए, जैसे नट हो गया, नट में वो खोखला वाला भाग होता है,
इसके द्वारा होल करते समय ये क्या क्या हो सकता है, इसका आगे वाला भाग जा करके नट में क्या होगा, घुस जाएगा। तो इसको यूज करने के लिए नीचे नट रख लेना चाहिए, कोई उसी तरह का खाली भाग जिसमें इसका पॉइंट होल करने के बाद आगे जा सके, नहीं तो ऐसे जमीन पर रख करके और होल करेंगे तो ये पॉइंट की कहाँ घुस जाएगा, जमीन में घुस जाएगा। ठीक, तो इसीलिए सावधानी बरतने के लिए थोड़ा नीचे में क्या कर देते हैं, नट लगा देते हैं। इसके द्वारा जो होल किया जाता है ये रफ होल होता है, एक्यूरेट साइज का नहीं होता है। तो काम चलाऊ जुगाड़ू कामों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जैसे जो पतली पतली सीट है उनको हम लोगों को रिबेट के द्वारा जोड़ना है, और शुद्ध हम लोग ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो काम चलाऊ इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग डायमीटर के साइज में आते हैं, इसके द्वारा हम लोग रफ करके और रफ होल करके फिर रिबेट डाल करके फिट करके बालपिन हैमर से और क्या करते हैं, रिबेटिंग कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें या पंच सीट में होल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो होल किए जाते हैं सही साइज के नहीं होते, इसलिए इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, रफ कार्यों के लिए। इसके द्वारा जो होल होता है, होल करते समय सीट के नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, नट रख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग सीट मेटल, सीट मेटल जहाँ पर पतली पतली चादरों के जॉब बनाए जाते हैं, नहीं तो ब्लैक स्मिथ ही लुहार गिरी में, नहीं तो फोर्जिंग शॉप में, ठीक, फोर्जिंग शॉप में गर्म अवस्था में जॉब को, जॉब के अंदर अगर हम लोगों को होल करना है अलग अलग प्रकार का, जैसे ये राउंड है अलग अलग शेप में भी मिलती है, राउंड स्क्वायर, तो उस तरह से हम लोग पंच का प्रयोग करके, सॉलिड पंच का प्रयोग करके और गर्म अवस्था में जॉब के ऊपर इस तरह से पीट करके क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं। तो इन सारे कामों के लिए प्रयोग की जाती है, ये यूज ध्यान रखना है। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट को, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पंच है खोखला पंच, और इसके लिए देखेंगे तो ये अंदर से क्या होता है, खोखला होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखेंगे तो ये अलग अलग ये साइज के पंच है, जैसा हम लोगों को सीट में से छोटे छोटे डिस्क के रूप में जॉब को काटना है, नहीं तो छोटा छोटा होल बनाना है, तो उसके लिए प्रयोग की जाती है। ये एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। ये अलग अलग साइज के ये होलो पंच है, और ये आगे वाला भाग जो होता है थोड़ा सा शार्प होता है, थोड़ा सा शार्प होता है। तो इसका प्रयोग क्या है, तो अलग अलग जैसे लेदर हो गया, उसके बाद गैस्केट सीट, सिलिकॉन रबर या वाशर काटते समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो अलग अलग कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, नहीं तो नरम अलौ धातु, नॉन फेरस मेटल जो होती है जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, यानी सॉफ्ट मेटल कॉपर एल्युमिनियम, उनके सीट में से अगर हम लोगों को होल काटना है, नहीं तो डिस्क के रूप में जॉब को काट करके निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे तो ये चमड़ा है, और ये अलग अलग ये बॉक्स है, इनके अलग अलग ये सेट में है, साइज के अलग अलग हैं ये डायमीटर के अनुसार। इस तरह से हम लोगों को होल करना है बड़ा छोटा, तो अलग अलग साइज के होलो पंच का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा खाली भाग होता है, होलो का मतलब क्या है, ये अंदर से खोखला, ये खाली भाग है, ये वाला भाग जो होता है इसको बोला जाता है फ्लूट। और फ्लूट का क्या काम होता है, तो ये जो कटिंग पार्ट है, ये कटा हुआ भाग है, यानी स्क्रैप नहीं तो चिप बोल सकते हैं, चिप को आसानी से निकालने के लिए या बाहर निकलने के लिए क्या कर देते हैं, फ्लूट दे देते हैं। यहाँ पर ये कटा हुआ इसका भाग इसी में क्या हो गया है, फंस गया है, तो क्या करेंगे, दांत से खींच करके निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर होल है, इसमें हम लोग उधर से हाथ डाल करके नहीं, से किसी चीज़ से इस तरह से हम लोग धक्का दे करके क्या कर सकते हैं, निकाल लेते हैं। ये तो बाहर है, पूरा अंदर जाकर फंस गया, तो इधर से भी हम लोग कभी कभी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसका यूज होता है अलग अलग इन्हीं प्रकार के, जैसे गत्ता कूट, गत्ता जिसको कूट बोला जाता, नहीं तो चमड़ा, नहीं तो गैस्केट सीट, गैस्केट सीट मतलब सिलिकॉन रबर, जो वाशर बनाए जाते हैं रबर के अलग अलग, उसको भी हम लोग इसके द्वारा काट करके बना सकते हैं। फिर नरम अलौ धातु और लोहे की पतली सीट, इन चीज़ों में से अगर हम लोगों को इस तरह से होल करना है तो आसानी से काट करके क्या कर सकते हैं, होल कर सकते हैं, नहीं तो ये कटा हुआ भाग ये डिस्क के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये अलग अलग साइज के ये ऑलो पंच हैं सारे, जैसे ये 1 mm से लेकर के 10 mm तक के हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 mm, 2 mm, 3 इस तरह से अलग अलग है, इनका कटा हुआ ये स्क्रैप है, चिप बोल सकते हैं। तो जनरली इसका प्रयोग हम लोग होल करने के लिए करते हैं,
यहाँ पर देखेंगे तो ये फिगर है, ये बेल्ट है। बेल्ट में हम लोग अलग अलग होल बनाते हैं ना थोड़े थोड़े दूरी पर, तो यहाँ पर बेल्ट में हम लोग होल कर सकते हैं। ये छोटे डायमीटर वाली खोखली पंच है, इसके द्वारा हम लोग होल कर सकते हैं बेल्ट में भी इस तरह से। नहीं तो बेल्ट में होल करने वाला जो एक मशीन होता है जिसको दबा करके हम लोग क्या करते हैं, होल करते हैं, उसके आगे वाले भाग को देखिएगा तो वहाँ पर क्या होता है, खोखला होता है। वो कैसा काम करता है, तो वो होलो पंच की तरह ही काम करता है। ठीक, तो ये इससे संबंधित ये सारे पॉइंट हम लोग इस फिगर में देख चुके हैं। अब इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है किस प्रकार के सीट में या मटेरियल में हम लोग होल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये अंदर से खोखला होता है तथा होल के अनुसार कई साइजों में मिलते हैं, अलग अलग साइजों में भी मिलते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पंच है पिन पंच। इस पंच के लिए भी देख लेते हैं यहाँ पे। जनरली इस पंच के लिए अगर देखेंगे तो ये अभी तक जितना पंच हम लोग देखे थे उससे ये थोड़ा लंबा होता है, और ये आगे वाला इसका जो भाग होता है, आगे वाला भाग ये टेपर नहीं होता है। जैसे सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच में आगे से क्या था, टेपर होता था, ये पूरा समांतर होता है। लेकिन ये अलग अलग डायमीटर में मिलते हैं। जैसे यहाँ पर इसका देखेंगे तो ये पतला है, ये उससे मोटा, ये मोटा, फिर उससे मोटा, ये मोटा हो गया, फिर ये ज़्यादा, यानी ये अलग अलग इनका क्या होता है, डायमीटर होता है। यूज के अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं, जहाँ पर जिस पिन पंच का प्रयोग करना है वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर जनरली इस पिन पंच का प्रयोग हम लोग असेंबली में से, जहाँ पर फिटिंग किए हुए पार्ट है, अगर उनके अंदर में कोई पिन है, डबल पिन है या टेपर पिन है, तिरछा पिन है, तो उसको हम लोग निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। जनरली डबल पिन कुछ और नहीं है, इस तरह से ये गोल पिन होती है, डबल पिन। और डबल पिन का प्रयोग जो होता है जिग एंड फिक्चर में जॉब को लोकेट करने के लिए, यानी उसको स्थिति प्रदान करने के लिए, नहीं तो बोल सकते हैं लोकेशन पर्पस के लिए हम लोग डबल पिन का प्रयोग करते हैं। नहीं तो एक और यूज है, हिडन फास्टनिंग में भी हम लोग डबल पिन का प्रयोग करते हैं। हिडन फास्टनिंग मतलब अंतः बंधन, पिन अंदर से लगा करके दो पार्ट को जोड़ दिया जाता है और पिन दिखती नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हिडन फास्टनिंग, छुपा हुआ। अंतः बंधन के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो में, अलग से हम लोग ये डबल पिन के लिए हम लोग पढ़ेंगे, आगे है हमारे सिलेबस में। यहाँ पर अगर देखेंगे ये जॉब है, जॉब में ये पिन है, गोल पिन है, इस पिन को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पिन ये अंदर फंसी हुई है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे दांत से पकड़ करके और खींच करके निकाल लेंगे। ठीक, निकल जाएगा ना, नहीं निकलेगा तो इजी बनाने के लिए, नॉर्मल आसानी से निकालने के लिए इस पिन पंच का ये वाला जो भाग है, आगे का पतला भाग, इसको इसमें लगा करके और हैमर का चोट लगा करके आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही काम होता है इनका, ठीक, अलग अलग जगह पर। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो ये जॉब है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये गियर है, गियर को स्पिन के द्वारा इस शाफ्ट के ऊपर पकड़ करके रखा गया है। यहाँ पर स्पिन को निकालना है, यानी दोनों पार्ट को अलग करना है, असेंबली को अलग करना है। असेंबली मतलब दो पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। इस पार्ट को अलग करना है तो स्पिन पंच के द्वारा होल में डाल करके और पिन पंच के द्वारा पिन को क्या कर सकते हैं, निकाल करके दोनों पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयोग होता है इनका, पिन पंच का। अब इससे संबंधित एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, ये आगे से क्या होता है, समांतर और साधारण पंच से कुछ अधिक लंबे होते हैं। ये सारा क्या होता है, समांतर, टेपर नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये असेंबली में डबल पिन या टेपर पिन इत्यादि को निकालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है घंटी नुमा पंच, बेल पंच। इसके लिए यहाँ पर समझते हैं, बेल मतलब घंटी, तो ये घंटी का जैसा दिखता है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, घंटी नुमा पंच बोलते हैं। इस तरह से लेकर के इसको क्या करेंगे, घंटी की तरह बजाते चलेंगे, हिलाते चलेंगे। ठीक, इसका भी खास पर्पस होता है, समझिए। यहाँ पे ये जो है ये बेल के शेप के जैसे, घंटी के शेप के जैसा दिखता है, लेकिन इसके सेंटर में ये क्या होता है, पंच होता है। जनरली इस पंच का प्रयोग गोल जॉब के ऊपर केंद्र की मार्किंग, सेंटर की मार्किंग करने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक एक करके समझते हैं। ये अलग अलग साइज में मिलते हैं, यानी इसके घेरे का साइज जो होता है ये अलग अलग होता है, और ये साइज
इसलिए अलग अलग बनाया जाता है ताकि अलग अलग व्यास के, बड़ा डायमीटर वाला शाफ्ट या बड़ा डायमीटर वाला गोल जॉब या छोटा डायमीटर वाला गोल जॉब उनके ऊपर रख करके आसानी से क्या करें, मार्किंग कर सके सेंटर का। जनरली यहाँ पर देखेंगे अगर यूज कैसे करते हैं तो ये शाफ्ट है या जॉब है, इसको हम लोग इसके केंद्र को मार्किंग करना चाहते हैं। अगर ये गोल जॉब है, मार्किंग करने के लिए हम लोग ढेर सारा विधि पढ़े हैं इससे पहले, ठीक। तो वहां पर क्या करते थे, एक एक लाइन को खींचते बैठते थे, तब तक बहुत सारा ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, ला करके और इसके जॉब के ऊपर रख करके और तुरंत हैमर हैमर का चोट लगा करके क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। तो आसान होता है, जल्दी मार्किंग होता है, जल्दी मास प्रोडक्शन में जॉब को जल्दी जल्दी बनाना है और उसमें सेंटर में होल करना है, तो आसानी से जॉब के ऊपर मार्किंग करके और फिर इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जॉब को। तो यहाँ पर ये जॉब है, जनरली ये इसका जो ये घेरा है, इसका साइज अगर बताएंगे तो ये घेरे के साइज के ऊपर इसका साइज डिपेंड करता है, यानी बड़ा छोटा किस प्रकार के जॉब के ऊपर ये आएगा, ये घेरे के साइज से ही पता चलेगा। कैसे, तो यहाँ पर ये जॉब है, ये बहुत छोटा जॉब है, इसके घेरे से ये छोटा जॉब है, ये क्या हो गया, अंदर घुस गया है। अंदर घुसने से कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो ये पॉइंट होता है, ये सेंटर, ये ऊपर नीचे ये एडजस्टेबल होता है, इसको खिसका सकते हैं आगे पीछे, ठीक। तो क्या होगा, जितना ये अंदर जाएगा, ये घेरा क्या है, बाहर से देखेंगे तो ये आगे की तरफ ज्यादा खुला है, पीछे की तरफ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी क्या है, टेपर है ना, घंटी क्या है, ये टेपर है ना, शंकु के जैसा है। तो ये जॉब क्या होगा, पतला डायमीटर वाला जॉब भी क्या होगा, जा करके अंदर में बैठ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला पंच है तो इसका अगर रेंज इस तरह से बता दे, 20 से लेकर के 50 mm, यानी 20 mm सबसे छोटे जॉब को रख करके आराम से पंचिंग कर सकते हैं, और ये 50 mm वाला जॉब भी, यानी घेरे का मैक्सिमम साइज क्या है, 50 mm वाला जॉब भी इसके ऊपर रख करके और क्या कर सकते हैं, पंचिंग करके सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये मतलब है इसका, तो ये छोटा जॉब है, ये अंदर चला गया, उसके बाद हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, पंचिंग कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से बड़ा जॉब रहेगा तो ये क्या रहेगा, इसके घेरे पर आकर के बैठ जाएगा पूरा गोलाई में, फिर ऊपर से क्या कर लेंगे, मार्किंग कर देंगे, ठीक। इसका प्रयोग जनरली केंद्र की मार्किंग के लिए करते हैं, ये बीच में ये पंच वाला भाग होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग सेंटर निकालने के लिए, गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए अलग अलग विधि की बात करें, यानी गोल जॉब के सेंटर की मार्किंग करने के लिए अलग अलग औजार, तो अलग अलग इससे पहले हम लोग ढेर सारा पढ़े हैं, जैसे वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज के द्वारा भी हम लोग क्या करते थे, सेंटर निकाल लेते थे। फिर सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक, नहीं तो इसी को स्क्राइबर ब्लॉक, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, इसके द्वारा भी सेंटर मार्किंग करते हैं। इसके बाद जेनी कैलिपर या ऑड लेग कैलिपर के द्वारा भी इस तरह से जॉब के भाग के, जॉब के सतह को, ये बेंट लेग को टच करके और क्या करते थे, सेंटर मार्किंग कर सकते हैं। फिर सेंटर हेड कॉम्बिनेशन सेट का जो सेंटर हेड था उसमें भी हम लोग पढ़े थे, उसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल जॉब का मार्किंग कर सकते हैं सेंटर का। इसके बाद ये सेंटर पंच आज ही पढ़े हैं, सेंटर पंच के द्वारा ये मार्किंग किया रहेगा तो उसको गहरा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर पंच का प्रयोग कर सकते हैं। और ये अभी एक ऐड हुआ, ये बेल पंच है, ये बेल पंच को ये जॉब के ऊपर इस तरह से रख देंगे, ये ऑटोमेटिक क्या किस में आ जाता है, केंद्र में आ जाता है, और आसानी से सेंटर की मार्किंग हम लोग कर सकते हैं। तो इतना चीज उम्मीद है समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट को अब इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे गोल जॉब के सेंटर निकालने या मार्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका आगे का भाग घंटी नुमा होता है तथा इनके घेरे पर ही क्या होता है, इनका साइज निर्भर करता है। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, अभी तक जितना पंच पढ़े हैं इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट है, यहाँ पर इनके लिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, पंच का साइज इसके व्यास एवं इसकी पूरी लंबाई से लिया जाता है, यानी इस तरह से बता सकते हैं, ये क्या है, डायमीटर, और डायमीटर को सिंबल सिंबल के रूप में बताएं तो ये फाई से सूचित किया जाता है, ये 12 mm क्या है, व्यास है, और फिर ये 125 mm क्या है, लंबाई। तो इस तरह से हम लोग लंबाई और इसके व्यास से बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, कार्य के अनुसार पंच को चुनना चाहिए, यानी किस प्रकार का काम है हम लोगों के पास, उसी के अनुसार पंच, यानी सेंटर लगाना है तो सेंटर पंच। उसके बाद विटनेस मार्क लगाना है, लाइनों को पक्का करना है तो उसके लिए कौन सा, डॉट पंच। डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए मार्किंग करना है तो कौन सा पंच, प्रिक पंच।
अलग अलग पर्पस के आधार पर हम लोगों को पंच को क्या करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। उसके बाद पंच के हेड पर यदि मशरूम शेप आ जाए तो उसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। अब मशरूम शेप क्या होता है इसके लिए देखते हैं। यहाँ पर जनरली हम लोग पंचिंग कर जब करते हैं तो बार बार अधिक समय तक अधिक दिनों के बाद पंचिंग करते करते हम जो पंच का हेड होता है वो क्या होता है, फैल जाता है। और फैल कर कैसा दिखने लगता है, तो छाता के जैसा, जो मशरूम होता है उसके जैसा दिखने लगता है, छाते के जैसा। तो इस तरह का अगर शेप आ जाए तो इसी को क्या बोला जाता है, मशरूम शेप। और ये पंच के हेड पर आया है तो क्या बोल सकते हैं, इस हेड को मशरूम हेड बोलते हैं। अगर इस तरह से मशरूम हेड आ जाए तो हम लोगों को ग्राइंड कर लेना चाहिए। ये चीज़ चीजल के साथ भी होता है, छेनी के साथ, छेनी के हेड के ऊपर भी हम लोग पीट पीट करके क्या करते हैं, कटिंग करते हैं धातु को, तो वहाँ पर भी मशरूम शेप आता है। उसके बाद हैमर का, हथौड़े का जो फेस होता है वहाँ उसका भी फेस फैल जाता है छाते के जैसा, तो वो भी मशरूम शेप होता है। तो जहाँ भी इस तरह से आ रहा है शेप तो उसको हम लोगों को ग्राइंड कर लेना चाहिए। ग्राइंड मतलब इस तरह से, ये ग्राइंडिंग मशीन है, ये ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील पे रगड़ करके ये फालतू का जो शेप निकला हुआ है इसको क्या कर देना चाहिए, घिस देना चाहिए। इस तरह से घिस देंगे तो यहाँ पर जब हम लोग कभी पंचिंग करेंगे या चिपिंग करेंगे चीजल के द्वारा या हैमर से हथौड़े की चोट लगाएंगे जॉब के ऊपर, तो इसका ये फैला हुआ भाग टूट करके हमको लगेगा नहीं, हम लोगों को लगेगा नहीं। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए क्या कर देते हैं, इसको ग्राइंड कर देते हैं। ठीक, तो मशरूम शेप आ जाए इस पॉइंट का मतलब यही है, तो उसको क्या कर लेना चाहिए, ग्राइंड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पंच के चिन्ह 3 से 5 mm के बीच होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जब हम लोग पंचिंग करते हैं, जैसे ये जॉब है, जॉब के जॉब पर ये लाइन है, इसको पंचिंग करते हैं हम लोग, तो ये एक पंच पॉइंट से दूसरे पंच पॉइंट के बीच की जो दूरी होनी चाहिए 3 mm से 5 mm तक होनी चाहिए, 3 mm से 5। ये आइडियल कंडीशन में इस तरह से बताया जाता है। जनरली इतना पास पास रखेंगे तो हम लोगों को जॉब बनाने में आसानी रहती है और एक्यूरेसी में जॉब को क्या कर सकते हैं, कटिंग करके बना सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग क्या करता है, धुरंधर लोग होता है, जैसे इस तरह का जॉब बनाना, इस तरह से लाइन की मार्किंग किया है तो एक यहाँ पर करेगा पंच, जल्दी जल्दी समय बचाने के लिए एक यहाँ पर मार्क कर देगा, एक यहाँ पर करेगा। ठीक, और जब कटिंग करेगा एक्सा ब्लेड से, यहाँ से सीधा आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक आया, इधर अब कोई पंच का निशान ही नहीं दिख रहा है उसको, तो इधर घुस गया। कटिंग करते करते अंदर भी घुस सकता है, नहीं तो बाहर भी जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, अब यही पंच का निशान पास पास रहता है तो हमेशा हम लोगों को पता चलता ना कि नहीं अभी यहाँ से हम लोगों को अंदर नहीं जाना है, नहीं उधर जाना है, एकदम सीधे जाना है। तो ये कुरेसी के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो 3 से कितना होना चाहिए, 5 mm के बीच होनी चाहिए, यही पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो पंच के पॉइंट की हार्डनेस होती है। ये पंच है, अलग अलग ये पंच के जितने भी है, पंच के पॉइंट की जो हार्डनेस होती है, और मटेरियल के बारे में बताएंगे तो क्या होगा, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील है, ये पंच के पॉइंट की हार्डनेस जनरली कितना होता है, तो ये 55 HRC, मतलब हार्डनेस रॉकवेल और स्केल सी, इसके बारे में विस्तृत हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए ध्यान में रखना है, पूछा जाता है तो 55 HRC से क्या होता है, 59 HRC। तो ये पंच के पॉइंट की हार्डनेस क्या होती है, 55 से 59। नोट पॉइंट इतना है, इसमें सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आगे के क्लास में मिलेंगे और उसमें हम लोग इसका दूसरा जो पार्ट है, हैमर हथौड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे, हैमर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, यूज के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए इसके अलग अलग टाइप्स, इसके अलग अलग टाइप्स जो है उनके प्रयोग क्या होते हैं, एक एक चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी साथ में हम लोग डील करते चलेंगे। तो यहाँ पर हैमर के लिए स्टार्ट करते हैं। हैमर के लिए अगर बात करेंगे तो हैमर एक प्रकार का क्या होता है, एक स्ट्राइकिंग टूल है, यानी जिसके सहारे हम लोग जॉब पर क्या कर सकते हैं, चोट लगा सकते हैं। इसका अलग अलग यूज है, जैसे हम लोग चिपिंग कर सकते हैं, पंचिंग कर सकते हैं इसकी सहायता से, इसके बाद बेंडिंग कर सकते हैं जॉब के ऊपर, और फोर्जिंग नहीं तो ब्लैक स्मिथी सेक्शन में गर्म जॉब को पीट पीट करके और अलग अलग शेप में भी हम लोग बना सकते हैं, रिवेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये हैमर है, अगर हैमर के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ये
पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये हैंडल है, पार्ट के बारे में पूरा विस्तृत पढ़ेंगे। यहाँ था थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं, ये हैंडल है। इसके बाद ये वाला भाग होता है, इसको पिन बोला जाता है। ये फेस है और ये इसको बोलते हैं। बीच वाला जो भाग होता है इसको चीक नहीं तो पोस्ट बोला जाता है। और जिसमें हैंडल होता है ये क्या होता है, ये एक आई होल होता है, अंडाकार होल बना होता है। ठीक, सारा चीज इसके पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ समझना है कि आखिर ये हैमर जो है ये एक स्ट्राइकिंग टूल है, तो प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहला यूज है पंच के द्वारा, पंचिंग करते समय। यानी जब हम लोग इससे पहले जो पंच पढ़े थे, पंच का प्रयोग लाइन की मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए, नहीं तो सेंटर लगाने के लिए, नहीं तो डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, तो वहाँ पर पंच के पॉइंट को रख करके और फिर हम लोग हैमर की चोट अप्लाई करके, हैमर का चोट लगा करके क्या कर सकते हैं, लाइनों को पक्का कर सकते हैं, नहीं तो सेंटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये सेंटर पंच के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेंटर लगा सकते हैं हैमर की चोट लगा करके। यहाँ पर दूसरा जो फिगर है ये है चिपिंग। जनरली यहाँ पर ये बेंच वाइस में ये जॉब को पकड़ा गया है और चीजल के द्वारा जो धातु काटने की क्रिया होती है छिलके के रूप में, चिप्स के रूप में चीजल के द्वारा धातु काटने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिपिंग नहीं तो चीजलिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग हैमर का चोट चीजल के हेड पर लगा करके और इस तरह से पिट पिट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये छिलके के रूप में धातु को भी निकाल सकते हैं स्लॉट बनाने के लिए। क्या बोलते हैं, चिपिंग नहीं तो चीजलिंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग हैमर का चोट चीजल के हेड पर लगा करके और इस तरह से पिट पिट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये छिलके के रूप में धातु को भी निकाल सकते हैं स्लॉट बनाने के लिए। तो ये क्या होता है, चिपिंग। हैमर का प्रयोग चिपिंग करते समय भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें देखेंगे, इस फिगर में, तो यहाँ पर ये सीट है, पतली सीट है, बेंच वाइज में पकड़ करके ये लाइन मार्किंग करने के बाद लाइन के अनुसार हम लोग ये चीजल के द्वारा और हैमर के चोट लगा करके इसको क्या कर सकते हैं, काट भी कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बेंडिंग भी कर सकते हैं, जॉब के ऊपर हैमर का चोट लगा करके जॉब को क्या कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं, यानी मोड़ सकते हैं। नहीं तो मुड़ी हुई जॉब है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं पिट करके। और ये जॉब चाहे गर्म अवस्था में हो या ठंडी अवस्था में हो, दोनों तरह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। नहीं तो बेंड है, मुड़ी हुई जॉब है तो उसको क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट काम होता है फोर्जिंग के लिए, नहीं तो ब्लैक स्मिथी के लिए, लुहार गिरी के लिए। लुहार लोगों को देखे होंगे, वहाँ पर जॉब को गर्म करके और फिर गर्म अवस्था में पीटने के लिए हैमर का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग हैमर का अलग अलग यूज होता है। इन सब के टाइप्स के बारे में जानने के बाद सारा चीज़ हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक इनके पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, हैमर किसी वस्तु या धातु को ठोकने पीटने, फोर्जिंग नहीं तो पंचिंग, चिपिंग, रिवेटिंग, बेंडिंग या मुड़ी हुई जॉब को सीधा करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना पॉइंट नोट डाउन करते चलिए साथ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यह हथौड़े की पहचान उसके भार और पिन के आकार से की जाती है। अगर ये हैमर है इसको हम लोगों को पहचानना होगा तो इसकी पहचान हम लोग ये इसकी पिन के द्वारा, जैसे ये अर्धगोलाकार बॉल की तरह है तो इसको हम लोग बॉल पिन हैमर बोलते हैं। तो इसके पिन और उसके बाद इसके भार के द्वारा क्या कर किया जाता है, पहचाना जाता है, पिन और भार के द्वारा। जनरली यहाँ पर ये जो भाग होता है जिसको चीक या पोस्ट बोला जाता है, चीक और पोस्ट वाले भाग पर ही क्या होता है, इस हैमर का भार लिखा होता है, स्टैम्प्ड होता है, छपा होता है। इसके बारे में बात करते हैं सारा चीज। तो सिंपल सा इस लाइन का मतलब यही है कि भार, इसका पहचान कैसे करते हैं, तो भार और पिन के आकार का, कि इसका पिन कैसा है, अलग अलग पिन के शेप के आधार पर इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके प्रकार अलग अलग होते हैं, सारा डिस्कस करेंगे। ठीक, इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हथौड़े के प्रकार, हैमर के टाइप्स। इसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। पहले एक साथ इनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला हैमर है पावर हैमर, इसके बाद हैंड हैमर है, इसके बाद नेक्स्ट है घन हैमर, नेक्स्ट है क्ला हैमर, फिर क्ला हैमर के बाद सॉफ्ट हैमर। इनका सारा हम लोग अलग अलग उपयोग भी पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पावर हैमर से। यहाँ पर
सबसे पहला जो हैमर है पावर हैमर है। अगर इस हैमर के बारे में बात करें तो ये हैमर भारी तथा बड़े बड़े जॉबों को फोर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्ज मतलब गर्म अवस्था में जॉब को पीट पीट करके और उसके शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसी को हम लोग फोर्जिंग बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये हैमर है भारी लोड अप्लाई करने के लिए। मशीन से चालित हैमर होता है, अलग अलग इनके पावर सोर्स के आधार पर इनका भी क्लासिफिकेशन है। जैसे इनको चलाने के लिए जो पावर सोर्स दे रहे हैं, अगर स्टीम है उष्मा से चला रहे हैं, वाष्प से चला रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ये भाप चालित हैमर बोलते हैं, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला इलेक्ट्रिक है पावर हैमर बोलते हैं, नहीं तो न्यूमेटिक यानी कंप्रेस्ड एयर के द्वारा चलने वाला जो हैमर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक हैमर। तो इनका भी अलग अलग कैटेगरी है पावर सोर्स के आधार पर। यहाँ पर कुछ ही समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका जो है ये रैम है, ये इसका टेबल है, नहीं तो ये एनविल बोल सकते हैं एक तरह से, जिस पर जॉब को सपोर्ट करते हैं हम लोग। और ये रैम है, इसका रैम क्या होता है, नीचे आकर के और इस जॉब पर क्या करता है, चोट लगाता है। और इस तरह से ये जॉब जो है ये गर्म अवस्था में जिसको टोंग से पकड़ करके रखा गया है, इसके रैम के प्रेशर के द्वारा, रैम के दबाव के द्वारा पीट पीट करके बड़े बड़े जॉब को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं, उनका शेप क्या कर सकते हैं, चेप चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हैमर होते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को पूरा हैंड हैमर के बारे में पढ़ना है, तो कुछ पॉइंट इसके लिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, ये हैमर भारी तथा बड़े बड़े जॉबों को फोर्ज करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस हैमर का प्रयोग ड्रा फोर्जिंग के लिए, ड्रा मतलब होता है फोर्जिंग में जॉब को पीट पर, ड्रा मतलब होता है फैलाना, फोर्जिंग में जॉब को पीट पीट करके क्या करते हैं, फैलाते हैं, उनको अलग अलग शेप में बनाते हैं, तो ड्रा फोर्जिंग के लिए किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे भाप चालित हैमर, विद्युत हैमर और न्यूमेटिक हैमर। न्यूमेटिक मतलब किससे संबंध है इसका, तो हम लोग ये पढ़े हैं भाईस में, न्यूमेटिक भाईस में, तो इसका संबंध किससे है, एयर से है ना, कंप्रेस्ड एयर के प्रेशर के द्वारा इसके रैम को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा इनका मैकेनिज्म है अलग अलग सोर्स के आधार पर। तो इतने पॉइंट को इसमें नोट डाउन कर लीजिए, मुख्य रूप से हम लोगों को हैंड हैमर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है दूसरा हैंड हैमर। अभी हैंड हैमर ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में। अगर बात करें ये हैमर है, ये हैमर के अगर भाग के बारे में बात करेंगे तो ये क्या है, पिन है, ये पिन है, ये बीच वाला जो भाग है इसको पोस्ट बोला जाता है, और ये नीचे वाला भाग है इसको फेस बोलते हैं। जनरली अगर मटेरियल के बारे में बात करें तो ये जो हैमर होता है कास्ट स्टील का, नहीं तो ड्रॉप फोल्ड कार्बन स्टील का बना होता है, नहीं तो मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, इतना मटेरियल ध्यान रखना है। और इन तीनों में से अगर बेस्ट मटेरियल चुनना होगा तो फोर्जिंग किया हुआ जॉब जो होता है बहुत मजबूत होता है, अच्छा होता है, तो बोल सकते हैं ड्रॉप फोल्ड कार्बन स्टील है वो क्या होगा, बेस्ट मटेरियल। सारे को डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर देखें तो ये पार्ट, ये वाला जो भाग है अंडाकार आई होल होता है, जनरली ये वाला फेस वाला जो भाग होता है थोड़ा ये उभरा होता है, कन्वेक्स होता है, उत्तल बोल सकते हैं, उत्तल इसलिए रखा जाता है कि अगर हम लोग इसके द्वारा, फेस के द्वारा जॉब के ऊपर पीटें तो पीटते समय इसका जो ये फेस है जॉब में, जो सीट है या प्लेट है उसमें धंसे ना, घुसे ना, डिगिंग जिसको बोला जाता है, डिगिंग इंग्लिश में धंसे ना, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा उत्तल कर देते हैं ये उभरा हुआ भाग, ठीक। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आई होल में हैंडल को फिट करते हैं, और ये हैंडल जो होता है ये किसका होता है, तो ये हैंडल लकड़ी का नहीं तो प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी प्लास्टिक इसलिए बनाते हैं, सबसे बेटर होता है लकड़ी का है, क्योंकि जब हम लोग चोट लगाते हैं तो ये क्या कर लेता है, शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है, झटके को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, शोषित कर लेता है, तो हमारे हाथों पर क्या होता है, ज़्यादा चोट नहीं आता है, झिझिनाहट की तरह नहीं होती है, ठीक है, जिसको फटिक बोला जाता है, झिझिनाहट की वजह से हाथ थकान हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फटिक बोलते हैं। तो इस तरह से ये लकड़ी के हैंडल बनने से ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी कुछ चीज़ और बात करते हैं, मटेरियल में क्या है, कास्ट स्टील नहीं तो ड्रॉप फोल्ड कार्बन स्टील नहीं तो मीडियम कार्बन स्टील, इसका फेस जो होता है और पिन जो होता है हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है, यही दोनों स्ट्राइकिंग पार्ट हैं, यानी जॉब के साथ यही क्या होते हैं,
संपर्क में आते हैं पीटते समय, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट हार्ड एवं टेम्पर्ड होते हैं, जबकि ये बीच वाला जो भाग होता है इसको चीक या पोस्ट बोला जाता है, ये भाग नर्म रखा जाता है, इसको हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं करते हैं। इसको हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं करने का पर्पस ये है कि जब हम लोग हैमर का चोट लगाएंगे तो ये बीच वाला भाग क्या करे, झटके को ऑब्जर्व कर ले। तो हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं करने की वजह से थोड़ी सी इसमें क्या होती है, सॉफ्टनेस होती है, जिसके कारण नीचे से फेस से या पिन की तरफ से स्ट्राइकिंग करने पर जो चोट लगता है उसके कारण ये हैमर टूटता नहीं है। तो मेन पर्पस इसका है सॉफ्ट रखने का, कि हैमर टूट ना सके। इसके बाद और चीज़, ये चीक वाला और जो पोस्ट वाला भाग है, इसी पर यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, चीक या पोस्ट वाले भाग पर ही इस हैमर का भार लिखा होता है। भार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हैमर के किस भाग पर उसका भार लिखा होता है। ऑप्शन में दे सकता है फेस, चीक, पिन, तो हम लोग क्या टिक आउट कर सकते हैं, चीक पर। और चीक को ही क्या बोला जाता है, पोस्ट बोला जाता है। जनरली स्टम्प, स्टैम्प का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इसका भार 2 kg है, नहीं तो इसका भार अगर 500 ग्राम है, तो इस तरह से 500 ग्राम का इस पर क्या होता है, मेटल पर छाप निकला होता है। छाप जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये लेटर और ये नंबर, ठीक। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बोल सकते हैं कहाँ पर मार्किंग होता है इसका भार, तो चीक पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ और समझते हैं यहाँ पे, जब हम लोग हैंडल को फिट करते हैं ये आई होल में, तो ये हैंडल जो होता है इस तरह से आगे से तो टेपर होता ही है, प्लस यहाँ पर जहाँ पर ये फटा होता है आगे से फटा होता है, उसका क्या पर्पस होता है, तो ये अंडाकार होल में इस हैमर को डाल करके और फिर बाहर से क्या कर देते हैं, ये वेज नहीं तो फनी बोला जाता है इसको, नहीं तो पच्चर, इस तरह से ये फटे हुए भाग में पीछे से इस तरह से पच्चर को क्या कर देते हैं, ठोक देते हैं। पच्चर नहीं तो पचरी बोल सकते हैं लोकल भाषा में, ठीक। पचरी लगा करके और फिर इस तरह से जब इसको ठोक देते हैं तो ये हैमर हैंडल जो है ये क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है। फैलने की वजह से इसके अंदर में फैल करके क्या कर लेता है, इसके होल में पूरे ये हैमर वाले भाग को पूरे को क्या कर लेता है, जाम कर लेता है, यानी हैंडल को निकलने का डर नहीं होता है। तो इसको हम लोग वेज लगा देते हैं या पचर लगा देते हैं ताकि हैंडल उसमें से निकले नहीं, ठीक। तो इससे रिगार्डिंग इतना पॉइंट है। अब हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कास्ट स्टील, नहीं तो ड्रॉप फोल्ड कार्बन स्टील, नहीं तो मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं, ये मटेरियल ध्यान रखना है। कास्ट स्टील, स्टील को कास्टिंग करके, नहीं तो कार्बन स्टील को फोर्ज करके, फोर्ज मतलब पिट पिट करके और इनको अलग अलग शेप में, अलग अलग शेप के हैमर में, अलग अलग हैमर के शेप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इसके बाद मीडियम कार्बन स्टील, ये मटेरियल ध्यान रखना है। अगर सबसे बेस्ट पूछेगा इन तीनों ऑप्शन के बावजूद, तो हम लोग ये तीनों ऑप्शन अगर रहेगा क्वेश्चन में तो सबसे बेस्ट यही मटेरियल चुन सकते हैं आसानी से, ठीक। तो इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं रखना है मटेरियल के लिए, किसी भी चीज़ का, किसी भी टूल हो या इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए अलग अलग मटेरियल हम लोग सारे लिखते चलेंगे। वहाँ पर प्रायोरिटी किसको देना है, ऑप्शन में एक साथ अगर 2-3 आ गए तो सबसे अच्छा जो मटेरियल है, मेटल है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये सारे और भी क्लियर हो जाएंगे पूरा मेटल हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज़ का जुगाड़ है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पर बने होते तथा इनके फेस और पिन क्या होते हैं, हार्ड एवं टेम्पर होते हैं, और बीच का भाग जिसे चीक या पोस्ट बोला जाता है वो क्या होता है, नर्म रखा जाता है। पोस्ट या चीक पर ही हैमर का भार क्या होता है, स्टैम्प्ड होता है, छपा होता है या लिखा होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक, इसको ध्यान में रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट वाले भाग में अंडाकार आई होल, इस तरह से अंडाकार होल बना होता है जिसको आई होल या आँख के जैसा दिखता है, इसलिए आई होल। नहीं तो मैथमेटिकल अगर बात करें कि ये किस प्रकार का कर्व होता है, तो ये इलिप्स के जैसा होता है, दीर्घवृत्त जिसको बोलते हैं, दीर्घवृत्त के जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, आई होल भी बोला जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है अंडाकार होल में हैंडल को फिट करके और बीच में क्या कर देते हैं, पच्चर नहीं तो फनी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेज ठोक दी जाती है। इस तरह से ये पच्चर को क्या कर देते हैं, ठोक देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
हैंडल औसतन 250 mm से 325 mm लंबे होने चाहिए। अगर हैमर के इस हैंडल की लंबाई को अगर हम लोग बताएं यहाँ से यहाँ तक, तो ये एवरेज हैमर के लिए 250 mm से कितना 350 mm तक होना चाहिए। जनरली इसके हैमर के हैंडल की लंबाई का कंसेप्ट यहाँ से समझिए थोड़ा सा। जितना भारी हैमर होगा, यानी ज़्यादा भार वाला हैमर होगा, उसके हैंडल की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा रखी जाती है उसके भार के अनुसार। जैसे हम लोगों के हाइट के अनुसार आदमी का ही अगर वजन कराने जाते हैं तो आदमी का हाइट के अनुसार उसका भार डिफाइंड रहता है, ठीक। तो अलग अलग लंबाई के अनुसार, सॉरी अलग अलग इसके भार के अनुसार इसका भी हैंडल का लंबाई क्या होता है, डिफाइंड होता है। लेकिन एक एवरेज तौर पर हैंड हैमर के कैटेगरी में बोलेंगे तो एवरेज तौर पर औसतन बोल सकते हैं 250 से कितना 325 mm तक लंबे होने चाहिए। हल्के हथौड़े के लिए ये एवरेज है, हल्के भारी सबको अगर कैलकुलेट करके एक औसतन बताएं तो उसके लिए डाटा है। हल्के हथौड़े के लिए 200 से 260 mm, और जैसे जैसे भार बढ़ेगा फिर इनका लंबाई क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और भारी हथौड़े के लिए 380 mm से 450 mm लंबाई होनी चाहिए, ठीक। तो ये भारी हथौड़े के लिए जनरली हैंड हैमर का भार रेंज भी पढ़ेंगे। हैंड हैमर का जो भार रेंज होता है 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक होता है, ठीक। आगे सबको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि भार के अनुसार क्या हो रहा है, इसके हैंडल की लंबाई क्या होती है, बढ़ते जाती है, ठीक। एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब इतने पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है 500 ग्राम भार वाले हैमर के हैंडल की लंबाई लगभग 325 mm होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एवरेज तौर पर बताएं कि 500 ग्राम हैमर वाले के हैंडल की लंबाई कितनी होगी, तो 325, इसको याद रखना है। 325 mm, यानी ये हैंडल की लंबाई कितनी होगी, 325। अगर इसका भार कितना है, ये 500 ग्राम है तो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हल्के तथा मार्किंग आदि के लिए 250 ग्राम, ये भी ध्यान रखना है। मार्किंग हैमर जो होता है, मार्किंग के लिए जो बॉल पिन हैमर प्रयोग किया जाता है, उसका वजन पूछा जाता है बार बार एग्जाम में 250 ग्राम। 250 ग्राम को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर केजी में बोले तो 1/4 केजी बोल सकते हैं। अगर इसी को करेंगे तो केजी में बताएंगे तो 0.25 केजी भी बोल सकते हैं ना। यानी ये 250 ग्राम, यानी 250 ग्राम एक केजी का कितना भाग है, 1/4 भाग है। और इसको पॉइंट में बताएंगे तो ये कितना है, 0.25 केजी। ये अलग अलग रूप में लिखने का मतलब ये है कि यहाँ अलग अलग फॉर्म में ऑप्शन भी आता है एग्जाम में, एक बार 1/4 दे करके, नहीं तो इस तरह से केजी में पूछ लिया जाता है। ये दे करके पूछा था 1/4 केजी, तो इस तरह से हम लोग को सचेत रहना है, ठीक। तो इसी तरह से हम लोगों को चीज़ों को समझते चलना है, ध्यान से समझते चलिए और नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद साधारण कार्यों के लिए, तो मार्किंग हैमर का वजन याद रखना है, साधारण कार्यों के लिए या बेंच कार्यों के लिए 0.45 केजी, इसको बोलेंगे तो 450 ग्राम। तथा भारी कार्यों के लिए कितना, 0.91 केजी भार वाले हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक। इसके लिए यहाँ पर इसके लिए बोलेंगे तो कितना, 910 ग्राम हो सकता है ये, ठीक। 9.91 केजी मतलब कितना, 910 ग्राम। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हैंड हैमर का भार रेंज 125 ग्राम से, इसको और क्या बोल सकते हैं केजी में, तो 0.125 केजी बोल सकते हैं। कहाँ तक होता है, 1500 ग्राम, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, 1.5 केजी, डेढ़ केजी तक होता है। तो इस तरह से इनका भार रेंज याद रखना है। जो डाटा यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को याद रखना है, ज़्यादा फालतू का डाटा याद नहीं रखना है, दिमाग में रहेगा नहीं, भूल जाएंगे, ठीक। तो जितना हम लोग करते चल रहे हैं साथ में, उतने ही चीज़ों को करते चलना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हैमर के मुख्य भाग, अगर इस हैमर के मेन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एक एक चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, पिन। ये आई होल है, ये चीक है बीच वाला भाग, नहीं तो इसको पोस्ट भी बोला जाता है। और ये वाला भाग क्या है, फेस है। जनरली पिन के शेप के आधार पर
ये हैमर जो होता है ये अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे ये अर्धगोलाकार बॉल के जैसा है, ये क्या है, बॉल पिन हैमर है। ये क्रॉस पिन हैमर है, इसका ये पिन है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है। एक एक करके इनके टाइप्स में समझेंगे। अगर पार्ट्स के बारे में देखेंगे तो क्या है, पिन है, फेस है, चीक है, और चीक को नर्म रखा जाता है ताकि हैमर टूट ना सके। इसके बाद ये वाला भाग जो होता है हैमर का, ये वाला जो भाग होता है ये आर्क होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेक, नेक गर्दन, नेक। ये वाला जो भाग है ये आर्क में बना हुआ है, इसको नेक बोला जाता है। अगर यहाँ से यहाँ तक वाले भाग को देखेंगे, अगर ये हाइट में ये पूरा, ये वाला जो भाग होता है इसको पोल बोला जाता है, पोल। पोल तो उतना हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, जो मेन मेन पार्ट है उसी को हम लोगों को नोट डाउन करना है। नेक, इसके बाद ये आई होल, ये एलिप्टिकल होल, इसी को क्या बोलते हैं, आई होल बोलते हैं। अब यहाँ पर इसके पिन के आधार पर हैमर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर ये बॉल पिन हैमर है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये क्रॉस पिन हैमर है। आगे हम लोग एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, अगर इसके आई होल में इस तरह से हैंडल को हम लोग फिट कर दें तो इसका जो पिन होता है इस हैंडल को क्या करता है, क्रॉस करता है, इधर के तरफ निकल रहा है ना, इस हैंडल से क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है तो हैंडल से, इसलिए बोल सकते हैं इसको कि क्रॉस पिन हैमर का पिन कैसा होता है, तो हैंडल के क्रॉस में, नहीं तो हैंडल से कितना डिग्री पर बना होता है, हैंडल से 90 डिग्री पर बना होता है। अगर इसमें समझेंगे तो इस तरह से हैंडल इसमें डाल दें अगर, तो स्ट्रेट पिन हैमर का पिन जो होता है ये हैंडल के क्या होता है, सिद्ध में होता है, यानी हैंडल के समांतर होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेट पिन हैमर का पिन कैसा होता है, हैंडल के समांतर, हैंडल के क्रॉस में, तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। कैसा होता है, तो हैंडल के समांतर। क्रॉस पिन के लिए पूछेगा तो क्या बोल सकते हैं, वो हैंडल के क्रॉस में, नहीं तो 90 डिग्री पर होता है। अब एक एक करके सारा चीज़ समझते हैं यहाँ पर इनके लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हैंड हैमर के प्रकार। अच्छा, ये जो हैंड हैमर है या सिंपल हैमर जो है, इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इनको इंजीनियर्स हैमर भी बोला जाता है, इंजीनियर्स हैमर। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी इंजीनियर्स हैमर के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, ये इंजीनियर्स हैमर कहाँ से आ गया, ये कौन सा चीज़ है। तो हम लोग हैमर को ही क्या बोल सकते हैं, इंजीनियर्स हैमर बोलते हैं। अगर हैंड हैमर के प्रकार के बारे में बात करेंगे, पहला है बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, उसके बाद स्ट्रेट पिन हैमर, और उसके बाद है फ्लैट पिन हैमर। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, बॉल पिन हैमर, ये हैंडल है, ये हैंडल के क्रॉस में इसका पिन होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पिन हैमर, यानी हैंडल से क्या निकलता है, ये बाहर निकलता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये स्ट्रेट पिन हैमर है, ये हैंडल के क्या है, सिद्ध में है। इसके बाद ये जो हैमर है फ्लैट पिन हैमर, यानी इसका पिन कैसा होता है, चपटा, और फेस भी चपटा, तो पिन और फेस दोनों चपटे होने की वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है, डबल फेस हैमर भी बोला जाता है, डबल फेस हैमर। एक एक करके देखते हैं इसको, ठीक। तो इतना अभी टाइप्स के बारे में ये नोट कर लीजिए। अब इनके बारे में एक एक डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला है बॉल पिन हैमर, तो यहाँ पर बॉल पिन हैमर में देखेंगे तो इसमें फिगर के थ्रू सारा जितना भी पॉइंट है इसको समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान दे करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे ये बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका पिन कैसा होता है, अर्धगोलाकार बॉल की जैसा होता है, और ये फेस होता है। जनरली ये बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम लोग रिबिटिंग के लिए, रिबिटिंग मतलब तो ये दो सीट है, इनके बीच में रिबिट को डाल करके और दोनों सीट को जोड़ना है, तो रिबिटिंग के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। रिबिटिंग में कहाँ पर, तो हेड को पीट पीट करके फैलाने के लिए। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये रिबेट है, रिबेट का एक हेड पहले से बना बनाया होता है। टाइप्स ऑफ रिबेट हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, उनका हेड अलग से बना बनाया होता है। यहाँ पर ये डॉली है, रिबेट के एक हेड को सपोर्ट देने के लिए, यानी हेड को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए डॉली का प्रयोग किया जाता है। ये डॉली सपोर्ट में रख देते हैं और ऊपर से ये बॉल पिन हैमर का इस तरह से पीट पीट करके क्या कर सकते हैं, धातु को, यानी हेड को बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, ये बेंच वाइस है, बेंच वाइस में ये जॉब को नीचे से सपोर्ट देने के लिए कुछ पैकिंग लगाया गया है, उसके बाद सीट को ऊपर में रख करके और फिर बॉल पिन हैमर के द्वारा इस हेड को क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। यहाँ पर जूम करके देखेंगे इस फिगर में ऐसा दिखेगा, ये हेड क्या हो रहा है,
हेड को हम लोग बॉल पिन हैमर के द्वारा, यानी बॉल पिन वाला जो हिस्सा है उसे पिट पिट करके क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इसके शेप को, यानी हेड बना रहे हैं। जनरली जब हम लोग रिबेट के हेड को बनाते हैं, इसके द्वारा जो मेटल होता है वो चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, मेटल का विस्तार होता है, फैलता है पीटते हैं तो ये भी बोल सकते हैं बॉल पिन हैमर का प्रयोग किसके लिए, रिबेटिंग के लिए करते हैं और चारों डायरेक्शन में यानी ऑल डायरेक्शन में क्या करने के लिए, धातु को फैलाने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बॉल पिन हैमर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो रिबिटिंग के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है रिबिटिंग। वैसे तो वर्कशॉप में किसी भी साधारण कार्यों के लिए भी कोई भी काम पड़ता है तो यही बॉल पिन हैमर ही क्या होते हैं ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, ये भी बोल सकते हैं अधिकांशतः इसी हैमर का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं। और खास अगर इसका यूज पूछेंगे तो क्या होगा, रिबिटिंग के हेड को फैलाने के लिए, रिबेट के हेड को फैलाने के लिए। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर पंचिंग जब हम लोग करते हैं मार्क, ये पंच के द्वारा मार्किंग लाइनों को पक्का करने के लिए, सेंटर लाइन लगाने के लिए, तो वहाँ पर भी इस बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इस फिगर में देखेंगे तो जब हम लोग चिपिंग करते हैं, चिपिंग मतलब ये बेंच भाई से ये जॉब है, जॉब में से चिजल के द्वारा, छेनी के द्वारा ये धातु को छिलके के रूप में काट करके निकाला जाता है, उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, चिपिंग। तो यहाँ पर भी चोट लगाने के लिए चिजल के हेड पर इसी का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, बॉल पिन हैमर का। ये सारे यूज के बावजूद हम लोग पूछा जाता है अगर रिबेट के हेड बनाने के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग किसको टिक आउट करते हैं, रिबेट के हेड को बनाने के लिए। एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस हथौड़े की पिन अर्धगोलाकार बॉल की तरह बना होता है, साधारण कार्यों के लिए यह हथौड़ा वर्कशॉप में अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 0.110 kg से 0.910 kg भार के बॉल पिन हथौड़े वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इस तरह से इनका ये भार रेंज है जो वर्कशॉप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ ये डाटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इनका प्रयोग मार्किंग, इस तरह से हम लोग ये पंच के द्वारा मार्किंग करते समय प्रयोग कर सकते हैं, चिपिंग के लिए, ये चीजल के द्वारा इस तरह से चिपिंग करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये रिवेटिंग के लिए, यहाँ पर ये रिवेटिंग के लिए नहीं, तो यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं रिवेटिंग के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। रिवेटिंग मतलब क्या, ऑल डायरेक्शन में मेटल को फैलाने के लिए, सभी दिशाओं में धातु को क्या करने के लिए, फैलाने के लिए, रिबेटिंग का मतलब। ठीक, यहाँ पर इतना यूज होने के बावजूद भी अगर पूछेगा बॉल पिन हैमर का नहीं तो रिबेटिंग के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो बॉल पिन हैमर का हम लोग पिकआउट करेंगे आसानी से। ठीक, पूछा भी गया क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें हेड हैमर में ये पहला बॉल पिन हैमर, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मार्किंग के लिए 250 ग्राम के बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये सारा मार्किंग हैमर जो होता है, पूछ लिया जाता है उसका वजन कि मार्किंग के लिए जो बॉल पिन हैमर होता है उसका वजन कितना होता है, तो 250 ग्राम नहीं तो 250 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस पिन हैमर, अब इसके लिए समझते हैं। क्रॉस पिन हैमर में अगर बात करेंगे तो इस फिगर को यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो बॉल पिन हैमर है, ये क्रॉस पिन हैमर है। यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा क्रॉस का मतलब क्या है, ये हैंडल है, ये हैंडल है, अगर इसको देखेंगे हम लोग तो इसका जो ये पिन है ये कैसे आ रहा है, अगर पिन को इस तरह से हम लोग सपोर्ट करके देखेंगे तो पिन इस हैंडल से कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, 90 डिग्री पर आ रहा है, यानी क्रॉस में है। तो दो तरीके से इसको बोल सकते हैं कि क्रॉस पिन हैमर का पिन जो होता है हैंडल के क्रॉस में होता है, नहीं तो समकोण पर होता है। यहाँ से ये वाली लाइन को टच करके इसको देखना है ये हैंडल के साथ कैसा है, तो ये कैसा है, क्रॉस में है। और यही अगर यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेट पिन के लिए, तो ये हैंडल है और ये स्ट्रेट पिन है, इसका अगर देखेंगे तो इस तरह से इसको हम लोग रख सकते हैं मार्कर को देखने के लिए, तो ये हैमर के हैंडल के ये क्या है, समांतर है ना, इस तरह से ये पैरेलल है, इसका पिन जो है समांतर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर बोला जाता है। इस तरह से चीज़ों को समझना है। ठीक, अभी हम लोग क्रॉस पिन के लिए ये वाला, ये कंपेरिजन के लिए यहाँ पर रखे थे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग क्रॉस पिन के लिए देखेंगे तो कौन सा है, ये हैमर है।
अब इससे संबंधित एक एक पॉइंट को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे इस हैमर की पिन हैंडल के समकोण पर या हैंडल के क्या होता है, क्रॉस में बना होता है इस तरह से। इसका प्रयोग नालियां नहीं तो भी स्लॉट कोमा जॉब के भीतरी कोनों, जहां पर कम जगह होता है वहां पर भीतरी कोनों में काम करने के लिए, तथा एक ही डायरेक्शन में मेटल को फैलाने के लिए। कोई चीज़ है अगर हम लोग एक तरफा चाह रहे हैं कि पिट करके इसके मेटल को फैला दें, तो वहाँ पर इस तरह से पतली पिन होने की वजह से एक तरफा हम लोग क्या कर सकते हैं, पिट पिट करके धातु को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, यानी लंबाई में बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये यूज है इसका, ठीक। एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हैमर में चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भार में या 0.22 केजी से 0.91 केजी तक मिलते हैं। ये डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहेंगे तो ये बार को इम्पोर्टेंट नहीं भी रख सकते हैं, ये डाटा याद करना जरूरी नहीं है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो हैमर है सीधा पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन। यहाँ पर अब समझते हैं थोड़ा सा। स्ट्रेट पिन में अगर देखेंगे, ये हैमर है, ये हैमर का हैंडल है, इसका पिन देखेंगे तो ये पिन कैसा है, ये हैंडल के सिद्ध में है ना, समांतर है, इसीलिए क्या बोलते हैं, यहाँ से अगर रख करके देखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे आएगा, ये हैंडल के ऐसे सिद्ध में आता है एकदम समांतर, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट पिन हैमर। यहाँ पर देखेंगे तो ये हैंडल है, ये भी कैसा है, ये हैंडल के सिद्ध में ही है, ये हैंडल के सिद्ध में ही है, इसीलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर इसको बोलते हैं। यहाँ पर यूज के बारे में देखेंगे तो जनरली इसका प्रयोग कोने में काम करने के लिए, जहाँ कम जगह होता है, जनरली क्रॉस पिन और ये स्ट्रेट पिन का यूज एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे इस प्रकार का ये स्लॉट बना हुआ है, उसमें ये कोई चीज़ है या कोई ये जॉब है जिसको हम लोगों को अंदर की तरफ धसाना है पिट पिट करके, नहीं तो बीट वायरिंग, जैसे हम लोग घरों में बीट वायरिंग कराते हैं ना, तो वहाँ पर जो बीट होती है इस तरह से ये आयताकार बीट होती है, चैनल जैसा होता है, सी चैनल के जैसा होता है, जिसमें बीट कांटी ठोकने के लिए हम लोग बाल पिन हैमर नहीं तो बड़ा वाला हैमर कोई नहीं प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसका पिन वहाँ पर नहीं घुस पाता है, यानी जब पीटेंगे तो वो पूरा केज क्या कर देता है, यानी बीट जो होता है उसको ख़राब कर देता है, वायरिंग वाला घरेलू वायरिंग होता है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो किसका प्रयोग करता है, इसी प्रकार के ये स्ट्रेट पिन हैमर का, यहाँ पर कम जगह है तो इस तरह से पिट पिट करके क्या कर सकता है, कील को, जो बीट वायरिंग कील होती है उसको क्या कर सकता है, अंदर में घुसा सकता है, तो इस तरह से इनका यूज होता है लिमिटेड स्पेस में, ठीक। यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला, इस हैमर का फेस चपटा और पिन हैंडल के क्या होता है, समांतर या सिद्ध में होता है। इसके बाद इसका प्रयोग भी क्रॉस पिन की भांति नालियां, स्लॉट, चैनल इत्यादि बनाने के लिए, तथा जॉब के कोनों में, यूज्ड एट कॉर्नर्स, कोनों में काम करने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक एक पॉइंट नोट डाउन करते चलिए। बार रेंज में बताएंगे तो कितना, 0.11 केजी से 0.91 केजी, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना हम लोग डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट डाटा उतना ही ध्यान रखना है हैमर में, ठीक। तो इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हैमर है फ्लैट पिन हैमर, हैंड हैमर का ही कैटेगरी है ये। इसमें अगर देखेंगे तो इसका जो ये पिन होता है ये फ्लैट होता है, चपटा होता है, और फेस भी पहले से क्या, चपटा, तो दोनों फेस चपटा, तो इसको और एक अदर नाम से भी जाना जाता है, इसे डबल फेस हैमर भी बोला जाता है, इसे डबल फेस हैंड हैमर भी कहते हैं, ठीक। इस हैमर के फेस तथा पिन क्या होते हैं, दोनों चपटे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका प्रयोग सभी साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, वर्कशॉप में इसका भी प्रयोग जनरली हम लोग किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं, किसी खास कामों के लिए नहीं, किसी भी कामों के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठोकने पीटने बेंडिंग करने के लिए जॉब के ऊपर आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इस तरह से इसके बारे में पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है घन हैमर। यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े थे पावर हैमर के बारे में, टाइप्स में अगर बात करें, दूसरा था हैंड हैमर, और हैंड हैमर में ही वो सारे थे, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन और फ्लैट पिन हैमर। अभी तीसरा कैटेगरी है घन हैमर,
या इसको स्लेज हैमर बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है हम लोग सारे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये जो हैमर होते हैं ये भारी वर्ग के हैमर है, यानी इनका भार जो होता है अभी जितने हैंड हैमर पड़े थे उनसे बहुत ज़्यादा होता है। और भार रेंज के लिए बताएं तो ये जो हैमर होते हैं 2 kg से 10 kg तक के वजन में मिलते हैं, और यही डाटा पूछा जाता है स्लेज हैमर का भार रेंज कितना होता है। तो 2 kg से कितना 10 kg, इसको चैट के रखना है ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो इसका भी फेस क्या होता है, दोनों ये फेस चपटा और पिन भी कैसा चपटा, डबल फेस हैमर के जैसा ही ये दिखता है, लेकिन भार क्या होता है ज़्यादा होता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग ब्लैक स्मिथी लुहारगिरी नहीं तो जॉब को फोर्ज करने के लिए गर्म अवस्था में पीट पीट करके शेप चेंज करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये जॉब है गर्म अवस्था में, ये हैमर है, ये एनिबल है। जनरली ब्लैक स्मिथी या लुहारगिरी में हम लोग एनिबल रख करके जिसके ऊपर हम लोग जॉब को सपोर्ट करके और पीट पीट करके क्या करते हैं शेप चेंज करते हैं। तो ये नीचे वाला भाग जो है ये क्या है, ये एनिबल है, एनिबल पर रख करके और इसको क्या करते हैं पीट पीट करके बनाते हैं। तो भारी वर्ग के हैमर होने की वजह से ज़्यादा चोट लगता है, तो जॉब आसानी से क्या होता है अलग अलग शेप में फैल सकता है, तो फोर्जिंग में इसीलिए यूज करते हैं, नहीं तो लोहारगिरी बोल सकते हैं, ब्लैक स्मिथी में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी इसके लिए बताएंगे हैंडल की लंबाई की अगर बात करें तो अभी जो कंसेप्ट था कि अलग अलग भार रेंज के हैमर के लिए जैसे जैसे भार बढ़ता है हैमर का उनका हैंडल का लंबाई क्या होता जाता है बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर ये 2 से 10 kg तक है, जैसे जैसे ये 2 से 10 kg तक इसका वजन बढ़ते जाएगा ये हैमर का हैंडल की लंबाई भी क्या करता जाता है बढ़ते जाता है। तो हैमर का लंबाई हैंडल की लंबाई इसके लिए जो होती है 600 mm से 900 mm तक होती है, ये डाटा ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई रेंज कितनी होती है यानी कहाँ से कहाँ तक, 600 से कितना 900 mm तक, ये डाटा याद रखना है ठीक। तो इस तरह से इसमें भी सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इस वर्ग के हैमर आयन हैमरों की अपेक्षा क्या होते हैं, वजन में भारी, और घन हैमर जो अधिकतर लोहार खाने में धातु को फोर्ज करने के लिए नहीं तो भारी चोट लगाने, चिजल के द्वारा जब हम लोग जैसे सरिये को छड़ को रॉड को काटते हैं, या एंगल आयरन अलग 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 जॉब में मेंबर लगा करके इस तरह से, जैसे ये एक जॉब है और एक जॉब है ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से जुड़े हुए भाग को हम लोग क्या करते हैं एंगल आयरन बोलते हैं, लोहे का बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे एंगल आयरन, अलग अलग एंगल में जुड़े हुए उनको भी हम लोग काटने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। चैनल सी के जैसा जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं चैनल। तो इन सारे को काटते समय किसके द्वारा, चीजल के द्वारा काटते समय इसका चोट लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है इसके दोनों ओर क्या होते हैं समतल फेस होते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है भार के लिए बताएंगे। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये 2 kg से कितना 10 kg ये पूछा गया है बार बार, लाइटली लेंगे तो धुआं धुआं हो जाएगा एग्जाम में, सांप सूंघ जाएगा वहाँ ठीक। इसके बाद हैंडल की लंबाई ये भी इम्पोर्टेंट है, 600 mm से कितना 900 mm, ये भी मजाक में नहीं लेना है ठीक। कुछ लोग बोलता है 100 W क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क पड़ेगा झंड बन जाएंगे ठीक। नेक्स्ट है क्ला हैमर, अभी इस हैमर के लिए हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हैमर के लिए देखेंगे तो ये हैमर है, एक एक चीज इसके बारे में भी देखते हैं। ये तो फेस है, यहाँ पर इसका जो पिन होता है ये पिन हैंडल के तरफ क्या होता है मुड़ा होता है, इस तरह से हैंडल की तरफ ही क्या होता है झुका होता है, और इसके पिन में इस तरह से भी स्लॉट कटा होता है। तो क्या काम होता है इसका, अगर इसमें देखेंगे पार्ट्स के लिए थोड़ा सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्ला, इसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है क्ला हैमर बना है। और इसके लिए ये क्ला है, ये क्या है चिक है, चिक के बाद ये हैंडल है, हैंडल के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा खुरदुरा बना दिया गया ताकि यहाँ पर ग्रिपिंग अच्छा मिले। इसके बाद ये वाला जो भाग है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, पोल नहीं तो बेल बोलते हैं। ये आगे वाला भाग है फेस, और ये वाला भाग क्या है नेक है, नेक। अभी इसका प्रयोग जनरली
बढ़ई लोग लकड़ी में से कील निकालने के लिए, कांटे निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। कैसे? तो इस तरह से ये लकड़ी का जॉब है, ये लकड़ी में ये कांटे धंसा हुआ है, इसको निकालना है वहाँ से। तो आसानी से पहले इस भी खांचा जो होता है ये कला का, इसमें फंसा करके कील के हेड को, और इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। इस तरह से खींचेंगे तो कील बाहर, इसका ये जो फ्लैट फेस होता है इसका प्रयोग हम लोग इस तरह से कील को ठोकने के लिए कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर एक पिन का प्रयोग कांटी को निकालने के लिए, कील को निकालने के लिए, और दूसरा फेस का प्रयोग हम लोग कांटी को ठोकने के लिए कर सकते हैं। तो बढ़ई लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं इसका। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और पूछा भी है कि कील निकालने के लिए निम्न में से किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, आसानी से टिक कर सकते हैं, कला हैमर। ठीक। फिर पूछेगा कि कारपेंटर लोग, बढ़ई लोग लकड़ी में से कील निकालने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए बोल सकते हैं कौन सा हैमर, क्ला हैमर। अब एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहला है, इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील इत्यादि निकालने के लिए किया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। इसका फेस समतल परंतु पिन हैंडल की ओर झुका होता है, और बीच में क्या होती है, स्लॉट कटी होती है, बी आकार की झीरी कटी होती है, ग्रुप जिसमें किल को फंसा करके करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हैमर है ये सॉफ्ट हैमर का कैटेगरी है, सॉफ्ट हैमर, मुलायम। तो इसका क्या प्रयोग होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये अलग कैटेगरी है सॉफ्ट हैमर का। जनरली जब हम लोग दो जॉब को फिट करते हैं, या ऐसा जॉब जो पूरी तरह से बन चुका है, एकदम फिनिश्ड हो गया है, उस पर चोट लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक एक चीज़ समझते हैं। जैसे मान लीजिए जॉब को फिट करना है, ये होल है और ये शाफ्ट है, होल में इस तरह से शाफ्ट को हम लोगों को फिट करना है, और हल्का अड़चन आ रहा है इसमें, तो इस पर क्या करेंगे, दबाव लगाएंगे ना। इन्हीं ये सॉफ्ट कैटेगरी के जो हैमर हैं इन्हीं का प्रयोग करके हम लोग दबाव लगाते हैं, यानी इन्हीं से चोट लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फिटिंग में जो भी जॉब है ये फाइनल जॉब है, फिनिश किया हुआ जॉब है, बना बनाया जॉब है। अगर हम लोग बॉल पिन हैमर, नहीं तो उनमें से कोई क्रॉस पिन और स्ट्रेट पिन हैमर, इनमें से किसी का भी प्रयोग करेंगे, और उसके द्वारा अगर चोट लगाएंगे इन पर, तो इस पर क्या हो सकता है, बने बनाए जॉब पर निशान आ जाएगा ना, दब जाएगा जॉब। इसीलिए बना बनाया जॉब हमारा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसीलिए हम लोग बॉल पिन हैमर इन सब का नहीं प्रयोग करते हैं। वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, फिटिंग कार्यों के लिए, असेंबली में, नहीं तो जो फिनिश जॉब है उन पर चोट लगाने के लिए जनरली सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट हैमर मतलब ये अलग अलग सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, जैसे तांबा, पीतल, सीसा, लेड, एल्युमिनियम। नहीं तो पदार्थ के बारे में बताएं, मटेरियल के बारे में, तो लकड़ी, और लकड़ी में भी हार्ड लकड़ी का बना होता है, अलग अलग सारा डिस्कस करते हैं इसके लिए। हार्ड रबड़, प्लास्टिक, बेकेलाइट, नाइलॉन, ये इनके बने होते हैं, और इनके द्वारा जब चोट लगाते हैं हम लोग, तो जॉब के ऊपर निशान नहीं आता, यानी फिनिश जॉब खराब नहीं होता है। तो ज़्यादातर असेंबली में ही चोट लगाने के लिए, हल्की चोट लगाने के लिए, नहीं तो पतली सीट को, चादरों को मोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स पर चोट लगाने और उन्हें फिट करने के लिए किया जाता है। अब सॉफ्ट हैमर के प्रकार के बारे में यहाँ पर देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट हैमर। अलग अलग सॉफ्ट हैमर के प्रकार है, जैसे मैलेट हैमर, जो लकड़ी का हैमर होता है उसको मैलेट बोलते हैं। फिर रॉ हाइड हैमर, नहीं तो इसको लेदर हैमर भी बोला जाता है। और तीसरा है नाइलॉन हैमर। तो यहाँ पर इन तीनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं मैलेट हैमर। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ये है टाइप्स में ए, मैलेट हैमर। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हैमर होता है ये लकड़ी का बना होता है, और हार्ड लकड़ी, लकड़ी में भी हार्ड लकड़ी, इस तरह से ये गोलाई में बना होता है। और हार्ड लकड़ी जैसे में इमली हार्ड होता है, सीसम हार्ड होता है, कीकर, कीकर को लोकल भाषा में बबूल बोला जाता है, ये भी क्या होता है, हार्ड लकड़ी होता है। फिर सागवान, सखुआ जिसको बोलते हैं, इन चीज़ों के ये बने होते हैं, या हार्डवुड के बने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लकड़ी के बने हैमर को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं, मैलेट। आसानी से हम लोग कर सकते हैं,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जाता है, मैलेट जो होता है जिसका प्रयोग हम लोग फिनिट जॉब के ऊपर चोट लगाने नहीं तो सीट को मोड़ने के लिए करते हैं, वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन में दे देगा कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, प्लास्टिक, लकड़ी। तो क्या करेंगे, लकड़ी टिक आउट करेंगे ना। मैलेट का मतलब ही क्या, लकड़ी का। यहाँ पर अभी नेक्स्ट पॉइंट, इनका प्रयोग धातु पर हल्की चोट लगाने तथा सीट को मोड़ने या सीधा करने के लिए किया जाता है। सीट मेटल सेक्शन में यानी सीट मेटल ऑपरेशन, नहीं तो जहाँ पर सीट को पतली चादरों को मोड़ करके अलग अलग शेप में बनाया जाता है बॉक्स के रूप में या कोई और भी जॉब, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इस मैलेट का प्रयोग करते हैं पतली सीटों को मोड़ने के लिए। मैलेट का स्पेसिफिकेशन अगर इसके विवरण दे किस तरह से बताएंगे इसको स्पेसिफिकेशन करेंगे, तो इसका डायमीटर बताया जाता है, इसका स्पेसिफिकेशन डायमीटर तथा फेस के आकार से, डायमीटर और फेस का आकार है कि इसका फेस कैसा है, ये फ्लैट है, राउंड है या स्क्वायर है, इस तरह से इसके फेस के आकार से बताया जाता है इसको। और अगर डायमीटर बताएं, ये जो मैलेट बना होता है ये लकड़ी का, ये गोल बना होता है, इसमें हैंडल फिट होती है, इसका जो डायमीटर होता है इसके लिए भी रेंज है, तो डायमीटर रेंज मिनिमम 50 mm, 75 mm और फिर 100 mm तक बनाए जाते हैं ये, ठीक। तो इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट है रा हाइड हैमर, सॉफ्ट हैमर कैटेगरी है। रा हाइड हैमर को लेदर हैमर भी बोलते हैं क्योंकि ये चमड़े की बनी होती है, ये चमड़े को इस तरह से गोलाई में रोल करके, गोल गोल मोड़ करके और फिर इसमें हैंडल फिट करके इस तरह से, और फिर इनका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए करते हैं, तो जॉब को, जो फिटिंग वाला जॉब है उस पर हल्का चोट लगा करके जॉब को फिट करने के लिए, ठीक। तो इसके द्वारा भी पिटने पर क्या होता है, निशान नहीं आता है। शुरू में ही हम लोग ये चीज़ देखे थे, इस हैमर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई मशीन पार्ट फिट करना होता है, यानी हल्का चोट लगाने के लिए। नोट डाउन कर लीजिए, इसमें एक ही पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट है नाइलॉन हैमर। नाइलॉन अगर इस हैमर के लिए बात करेंगे, ये एक्यूरेसी में, जहाँ पर एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, जैसे टूल रूम, नहीं तो एयरोनॉटिक शॉप, जहाँ पर हवाई जहाज के पार्ट असेंबल किए जाते हैं उसी को एयरोनॉटिक शॉप बोला जाता है, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है हल्के चोट लगा करके फिनिट जॉबों के ऊपर फिट करने के लिए, ठीक। यहाँ पर देखेंगे अगर, तो इसका बनावट कुछ इस तरह से, ये स्टील की गोल बॉडी होती है, इसी में ये हैंडल होता है और ये गोल बॉडी में, स्टील की गोल बॉडी में ये नाइलॉन के, नहीं तो ये प्लास्टिक, नाइलॉन एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, नाइलॉन के दो टुकड़े, इसके साइज के अनुसार, डायमीटर के अनुसार दो टुकड़े क्या होते हैं, अलग अलग लगे होते हैं, तो नाइलॉन है, सॉफ्ट मटेरियल है, तो इसके, इससे भी अगर हम लोग चोट लगाएंगे तो जॉब के ऊपर क्या होता है, निशान नहीं आता है, इसीलिए सॉफ्ट हैमर के कैटेगरी में है। तो ऐसा करके प्रयोग करते हैं, एक एक पॉइंट इसमें भी देखते हैं। इस प्रकार के हैमर का प्रयोग हाई फिनिश जॉब एक्यूरेसी के साथ या पार्ट्स असेंबल करने के लिए किया जाता है। अब हाई एक्यूरेसी वाले जॉब, इसका प्रयोग मुख्यतः एरोनॉटिक शॉप, नहीं तो आधुनिक टूल रूम में, जहाँ पर शुद्धता से काम किया जाता है, वहाँ पर क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और दोनों सिरों पर कठोर प्लास्टिक के टुकड़े हैमर के साइज के अनुसार क्या होते हैं, इसी के बॉडी में फिट होते हैं। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है, जितना भी हैमर पढ़े थे इसमें से इनके लिए नोट पॉइंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है इंजीनियर्स हैमर, जनरली हैमर को ही इंजीनियर्स हैमर बोला जाता है, अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है, कभी इंजीनियर्स हैमर दे करके पूछेगा तो कन्फ्यूज नहीं होना है ये किसके बारे में पूछ रहा है, हैमर के बारे में। इसका स्पेसिफिकेशन इसके भार तथा पिन के शेप से किया जाता है, और इनका भार रेंज कितना होता है, 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक, ठीक। जो इंजीनियर साइमर होता है इसका भार रेंज कितना होता है, 125 से 1500 ग्राम। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसके भार और पिन के शेप से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमर का स्पेसिफिकेशन, हैमर का विवरण किस प्रकार से दिया जाता है, तो वहाँ पर हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इसके भार और पिन के शेप से। और सबसे ज़्यादा अगर दोनों ऑप्शन आ गए, आ जाए,
भार भी और पिन का शेप भी। तो वहाँ पर प्राइमरी हम लोग भार को चुनेंगे, क्योंकि भार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पिन के शेप के अनुसार। ठीक, पिन का शेप बाद में आएगा, भार क्या होगा सबसे पहले आएगा। तो उसको हम लोग कहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, तो सबसे पहले भार को, भार के अनुसार ही इनका काम है। ठीक, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मार्किंग के लिए 250 ग्राम बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। जो मार्किंग हैमर होता है वहाँ पर 250 ग्राम वाला बॉल पिन हैमर का ही प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस कर चुके हैं। 500 ग्राम भार वाले हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है, 325 mm। इसरो में कई एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तीनों। तो यहाँ पर 500 ग्राम भार वाले हैंडल के हैमर की लंबाई कितनी होती है, लगभग 325 mm, ये डाटा याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस। स्ट्राइकिंग फेस मतलब जो फेस है और उसका पिन दोनों को मिला करके इनका जो हार्डनेस होता है, HRC में बताएंगे तो 49 से 56 HRC होता है, ये हार्डनेस याद रखना है। HRC मतलब हार्डनेस रॉकवेल स्केल सी, पूरा विस्तृत पढ़ चुके हैं इसके बारे में, समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है ज़्यादातर फिटिंग तथा मशीन शॉप में चिजल के द्वारा जब हम लोग मेटल को, धातु को काटते हैं या चिपिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी किसके लिए प्रयोग, किसका प्रयोग करते हैं, तो इस बॉल पिन हैमर का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण चोट के लिए हथौड़े के हैंडल को अंतिम छोर से पकड़ना चाहिए, कुछ इस तरह से। यहाँ पर अगर इस हथौड़े के भार का या पूर्ण चोट लगाना है तो इसके हैंडल को हम लोग कहाँ पर पकड़ते हैं, एकदम पीछे से पकड़ते हैं, ताकि यहाँ से अगर इस तरह से पीटेंगे इस तरह से करके तो लोड क्या होता है, ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण जॉब के ऊपर क्या होगा, भारी दबाव लगेगा, यानी भारी लोड लगेगा। ठीक, बड़ा बड़ा जब जॉब होता है तो लोहार खाने में देखे होंगे वो लोग ऐसे खड़ा होकर के क्या करते हैं, एनिवल पर रख करके जॉब को और फिर पीटते हैं। ठीक, इसके लिए हम लोग टेक्निकल भी समझ चुके थे, जिस तरह से हम लोग टॉर्क के बारे में जब कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो स्पाइनर रिंच जो होता है वहाँ पर टॉर्क कैसे काम करता है, वहाँ पर पढ़े थे ना कि दूरी, टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, वहाँ सेंटर से दूरी बढ़ने पर टॉर्क क्या होते जाता था, बढ़ते जाता था। अगर इसी हैमर को यहाँ पर जड़ पर पकड़ करके ऐसा चोट लगाएंगे तो क्या होगा, हल्का चोट लगेगा, और इसी को ऐसे दोनों हाथों से पकड़ कर इंड पर और इस तरह से चोट लगाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, हथौड़े को अंतिम छोर से पकड़ करके प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद काम करते समय अगर फेस फैल जाए तो मशरूम, फेस फैल जाना मतलब ये जो हैमर का फेस है ये फैल करके मशरूम के जैसा, छाते के जैसा दिखने लगता है, तो उस समय मशरूम को क्या कर लेना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मशरूम शेप, पंच में भी देखे थे उसके हेड पर क्या हो जाता है, मशरूम शेप आ जाता है, तो उसको क्या करते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। वहाँ पर भी ये डिस्कस किए थे कि ये हैमर के साथ भी होता है मशरूम शेप, अभी और आगे भी पढ़ेंगे, वो चीजल के हेड पर भी क्या होता है, मशरूम शेप आता है। तो सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि उसका अगर काम कर रहे हैं हैमर का चोट लगा रहे हैं तो उसका कोई टुकड़ा निकल करके और जो अगल बगल कोई आदमी खड़ा है तो उसको चोट न लगे, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, तो उसको ग्राइंड कर लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है काम के अनुसार हथौड़े का चयन करना चाहिए, अलग अलग कार्य के अनुसार हैमर का प्रयोग करना चाहिए। ये सारा चीज़ हम लोग यूज के अनुसार हैमर हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कटिंग टूल्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कटिंग टूल्स, इसमें हम लोग हेक्सा ब्लेड के बारे में, उसके बाद चीजल के बारे में पढ़ेंगे, स्क्राइपर के बारे में पढ़ेंगे।